So are you looking for me as well? मनोज सर नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. आवाज येतोय माझा? हो सर, येतोय. आवाज येतोय सर. ओके. आज थोडस मी प्रवासात असल्यामुळे कोडल संगम वरती आहे. बर बर बर, चालेल सर. सुरू करूया? हो चालेल ना, करूयात ना सर. चालेल. नमस्कार. हा नमस्कार. 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 माझा आवाज येतो सर? सुरू करा गजानन सर, सुरू करा. आज आपण रोटरी क्लब अकलूज आयोजित MBBS प्रवेश प्रक्रिया 2021-22 साठीच्या मोफत मार्गदर्शन वेबिनार साठी एकत्र सर्वजण या ऑनलाईन माध्यमातून जमलेलो आहोत. सुरुवातीला रोटरी क्लबचे अध्यक्ष माननीय श्री नितीन कुदळे सर यांना मी प्रास्ताविक आणि स्वागत करण्यासाठी विनंती करतो. धन्यवाद सर. सर्वप्रथम मी डॉक्टर शहा व प्राध्यापक मनोज सर यांचं मी रोटरी क्लब अकलूजच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. आणि आपल्याला मनोज सरांनी पाठीमागे 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेनंतर किंवा 10वी 12वीनंतर कोणतं करिअर करावं याविषयी आपल्या क्लबच्या माध्यमातून मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्यांच्याच माध्यमातून आज आपल्याला डॉक्टर शहा हे आपल्याला आज व्याख्याते म्हणून लाभलेले आहेत. मागच्या आठवड्यामध्येच किंवा 10 दिवसापूर्वी CET आणि त्या संबंधित परीक्षेचा निकाल आल्यानंतर या आपण व्याख्यानाचं नियोजन केलेलं आहे. खरं तर दीपावळीच्या पिरियड मध्ये करायचं होतं पण बरेचशी मुलं सुट्टीनिमित्त पालक बाहेर असतात, ते त्यामुळे आपण या आठवड्यामध्ये त्याचं नियोजन केलेलं आहे. आणि अगदी MBBS म्हणजे पूर्ण भारतातच नव्हे तर भारताबाहेर सुद्धा जर आपल्याला हा कोर्स करायचा असेल तर त्याविषयीची सविस्तर माहिती अगदी मोफत अशी डॉक्टर शहा सर आपल्याला विस्तृतपणे करणार आहेत. तर मी आज आमच्या रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3132 चे डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर माननीय यशवंतजी हांडे साहेब हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनाही मी या निमित्ताने आम्हाला बोलण्याचं मार्गदर्शन करण्याची मी विनंती करतो. हांडे सर. नमस्कार. गजानन सर आवाज येतो का? खूप अभिनंदन करतो. आवाज येतोय पण थोडासा गॅप पडतोय. अच्छा. तर मी पुन्हा एकदा RC रोटरी क्लब अकलूज डॉक्टर शहा प्राध्यापक वाबळे सर आणि सर्व पाल्य आणि त्यांचे पालक या सर्वांचे या वेबिनार मध्ये मी खूप खूप स्वागत करतो आणि अभिनंदन करतो या सर्वांचं.
आणि सर्व पाल्यांना पालकांना शुभेच्छा देतो की आपण आपल्याला या वेबिनारचा पुढच्या आपल्या शैक्षणिक वाटचालीमध्ये खूप खूप लाभ होईल आणि सर्वांना आपल्या सर्व पाल्यांना सर्व विद्यार्थ्यांना MBBS हे वेबिनारचं मार्गदर्शन मार्गदर्शक ठरेल आणि आपल्याला आपल्या पुढच्या शैक्षणिक आयुष्याची चांगली वाटचाल करता येईल या वेबिनारच्या सहाय्याने. आणि पुन्हा एकदा मी आपणा सर्वांना शुभेच्छा देतो, धन्यवाद देतो, धन्यवाद करतो रोटरी क्लब अकलूज प्रेसिडेंट नितीन कुदळे यांचं आणि डॉक्टर शहा आणि प्राध्यापक वाबळे सर यांचं. थँक्यू थँक्यू. धन्यवाद हंडे साहेब. आता यानंतर मी आमचे सेक्रेटरी गजानन सर यांना विनंती करतो की त्यांनी यापुढील कार्यक्रमाची सूत्र घ्यावी. मी प्रवासात असल्या कारणाने मीटिंग मध्ये जॉईन आहे, परंतु मला फारस बोलता येणार नाही प्रवासाच्या कारणाने. ज्या ठिकाणी आवश्यकता असेल त्या ठिकाणी मी आहेच ऑनलाईन. मी गजानन सरांना विनंती करतो की त्यांनी पुढील कार्यक्रम सुरू करावा. धन्यवाद अध्यक्ष साहेब आणि धन्यवाद हंडे सर. या MBBS प्रक्रिया प्रवेश प्रक्रिया 2021-22 च्या कार्यशाळेमध्ये पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. आणि आमचे रोटरी क्लबचे माजी अध्यक्ष स्वप्नील शहा यांना मी आजच्या कार्यक्रमाचे जे मार्गदर्शक आहेत माननीय श्री मनोज वाबळे सर यांचा परिचय करून द्यावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. नमस्कार, मी रोटरियन स्वप्नील शहा. सर्वप्रथम मी आजच्या कार्यक्रमाचे मार्गदर्शक डॉक्टर नीरज कुमार शहा व प्राध्यापक मनोज वाबळे सर यांचे आजच्या कार्यक्रमात स्वागत करतो. आणि आज मनोज वाबळे सरांचा मी थोडक्यात परिचय मी तुम्हाला सांगत आहे. आवाज येतोय सर माझा व्यवस्थित? येतोय येतोय येतोय. तर सर येतोय त्यांचा आवाज? हॅलो शहा सर आणि मनोज सर आवाज येतोय त्यांचा? हा जी सर. ओके ओके, थँक्यू सर. करा स्वप्नील शहा सर. ओके, तर आज आपल्याला MBBS प्रवेश प्रक्रिया या कार्यक्रमाच्या साठी वेबिनार घेण्यासाठी आज आपल्याला मनोज वाबळे सर आले आहेत, यांचं मी थोडक्यात परिचय करून देत आहे. श्री मनोज वाबळे सर हे करिअर मार्गदर्शक, प्रेरणादायी वक्ते व कॉर्पोरेट ट्रेनर म्हणून ओळखले जातात. त्यांना आतापर्यंत बरेचसे पुरस्कार मिळालेले आहेत. 2016 साली त्यांना पुण्यभूषण पुरस्कार, वक्तृत्व भूषण पुरस्कार, तसेच पद्मश्री डॉक्टर मणिभाई देसाई राष्ट्रसेवा पुरस्कार मिळाला आहे. 2017 साली मातृभूमी गौरव पुरस्कार मिळालेला आहे. तसेच 2018 राज्यस्तरीय उत्कृष्ट युवा व्याख्याता पुरस्कार, गुणवंत शिक्षक गौरव पुरस्कार या अनेक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आले. त्यांनी आता 41 व्या राज्यस्तरीय वक्तृत्व आणि वादविवाद स्पर्धेत पारितोषिकेही त्यांना मिळालेली आहेत. अचूक शब्दफेक आणि पहाडी आवाजाची किमया लाभलेले युवा वक्ते अशी त्यांची ओळख आहे. कमी वयात ग्रामीण आणि शहरी भागात त्यांनी 1000+ व्याख्याने घेतली आहेत. महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाने आयोजित केलेल्या करिअर फेअर कार्यक्रमात प्रमुख वक्ता म्हणून त्यांनी व्याख्याने दिलेली आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये ध्यास स्वप्नांचा प्रवास करिअरचा या विषयावर करिअर विषयी प्रबोधन केलेले आहे. ग्रामीण भागात व्यसनमुक्ती, वृक्षारोपण चळवळ, लेख वाचवा अभियान, शेतकरी आणि दुष्काळ आदी विषयावर युवकांचे प्रबोधन केलेले आहे. तसेच राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेचे परीक्षक म्हणून त्यांनी कार्य केलेले आहे. शिक्षणावर बोलू काही या उपक्रमाच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ मान्यवरांच्या 100+ मुलाखतीद्वारे त्यांनी प्रेरणादायी संवाद केलेला आहे. वक्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमाद्वारे उत्तम भाषण कसे करावे या संदर्भात वक्ता प्रशिक्षक मार्गदर्शक म्हणून त्यांचे कार्य झालेले आहे. त्यांचे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण व शहरी भागातील 10वी व 12वीच्या 1,00,000 विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ते मोफत करिअर मार्गदर्शन करण्याचे त्यांनी ध्येय ठरविले आहे. त्यांचे ह्याच्या माध्यमातून त्यांनी व्याख्यान, प्रेरणादायी कार्यशाळा, करिअर मार्गदर्शन कार्यक्रम, उद्योजकता विकास प्रशिक्षण, सोशल मीडियाचा सकारात्मक वापर करूया या प्रबोधन कार्यातून सकारात्मक विचार करणारे युवा नेतृत्व निर्मिती करून 21व्या शतकातील प्रगतीशील राष्ट्राच्या निर्मिती उभारणीमध्ये त्यांचे निरंतर योगदान आहेच. तसेच आता आगामी ह्याच्या त्यांचे प्रभावी भाषण, संभाषण कला, करिअर मित्र, एकच ध्यास, व्यक्तिमत्व विकास ही पुस्तके लवकरच प्रकाशित होणार आहेत. तरी अशा या बहुआयामी व्यक्तिमत्व असलेले श्री मनोज वाबळे सर यांना
मी विनंती करतो की त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद. धन्यवाद स्वप्नील शाह सर. आजच्या या MBBS कार्य प्रवेश प्रक्रिया कार्यशाळेसाठी प्रेरणादायी वक्ते मनोज वाबळे सर आपली जी काही प्राथमिक माहिती आहे ती आपण सांगावी अशी रोटरी क्लबच्या वतीने आपणास पुन्हा एकदा विनंती आणि आपले स्वागत. धन्यवाद सर. सर्वप्रथम मी उपस्थित सर्वच मान्यवरांचं या ठिकाणी मनपूर्वक असं स्वागत करतो. रोटरी इंटरनॅशनल क्लब अकलूज नेहमीच वेगवेगळ्या प्रकारचे सामाजिक उपक्रम असतील यासाठी अग्रेसर असतं आणि आजचा जो विषय आहे तो आहे भारत व परदेशातील MBBS प्रवेश प्रक्रिया मार्गदर्शन. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या ठिकाणी उपस्थित असणारे रोटरी क्लबच्या माध्यमातून ज्यांचं नेहमी सहकार्य असतं आणि विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवत असतात, सन्माननीय गजानन जंजाळ सर, सन्माननीय सचिव सर, त्यानंतर कार्यक्रम या संघटनेचे अध्यक्ष सन्माननीय नितीनजी कुदळे साहेब, त्यानंतर या ठिकाणी उपस्थित असणारे तज्ज्ञ करिअर मार्गदर्शक डॉक्टर नीरज कुमार शाह सर, आत्मीय एज्युकेशन या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक विद्यार्थ्यांना मेडिकल प्रवेशाबद्दलचं मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि सरांचं सुद्धा मार्गदर्शन आपल्याला ऐकायचं आहे. सरांचं सुद्धा मी या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी मनपूर्वक असं स्वागत करतो. सर्वप्रथम उपस्थित सर्व विद्यार्थी आणि पालकांनो, वैद्यकीय क्षेत्र हे असं एक क्षेत्र आता सध्या आहे की ज्यामध्ये आपण कोरोनाचा आपण काळ पाहिला, COVID-19 काळामध्ये सगळ्यात जास्त जी गरज आपल्याला भासली होती ती डॉक्टरांची गरज भासली आणि एकीकडे मंदिरं बंद होती परंतु दवाखाने सुरू होते अशा वेळेला की वैद्यकीय क्षेत्रामधील करिअरच्या असणाऱ्या ज्या संधी आहेत त्या अमर्याद संधी आहेत. आणि मग वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये जर आपल्याला करिअर करायचं म्हटलं तर त्यामध्ये असणारी जे प्रवेश प्रक्रिया ज्या आहेत आणि त्याबद्दल आपल्याला विस्तृतपणे माहिती या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण या शिबिराच्या माध्यमातून आपण देतोय. वैद्यकीय अभ्यासक्रम म्हटलं की त्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं एखाद्या विद्यार्थ्याला 12वी 11वी 12वी मध्ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हे विषय असावे लागतात आणि 11वी 12वी नंतर या विद्यार्थ्यांना सगळ्यात महत्वाची जी परीक्षा आहे ती परीक्षा द्यावी लागते. त्या परीक्षेला म्हटलं तर नीट परीक्षा, नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रान टेस्ट. या नीट चे निकाल जे आहेत ते आता नुकतेच जाहीर झालेले आहेत आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी यांच्याकडून ही नीट नावाची परीक्षा घेण्यात येते. म्हणजे जे कोणी या मीटिंगसाठी उपस्थित राहतील आणि आहेत आणि ज्यांचे पाल्य असतील किंवा कोण त्या ठिकाणी 11वीला असतील 12वीला विद्यार्थी असतील त्यांच्यासाठी सुद्धा उपयुक्त हे मार्गदर्शन आहे की नीट नावाची एक्झाम जी आहे ती देणं गरजेचं आहे. नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रान टेस्ट, त्यामध्ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हे तीन सब्जेक्ट मुख्यतः असतात. 720 मार्काची ही परीक्षा सर्व विद्यार्थ्यांना द्यावी लागते. म्हणजे आज जर आपण पाहिलं तर पूर्ण भारतामध्ये असणारे वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये असणारे ज्या संधी आहेत त्यामध्ये MBBS, BDS, BHMS, BMS हे सर्व प्रकारचे जे कोर्सेस आहेत या सर्व प्रकारच्या परीक्षांचे जे ऍडमिशन्स आहेत ते नीट नावाची जी परीक्षा आहे नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रान टेस्ट या परीक्षेच्या माध्यमातून होतात. म्हणजे महाराष्ट्रामधील जर विद्यार्थ्याला जर MBBS ला प्रवेश मिळवायचा असेल, BMS ला प्रवेश मिळवायचा असेल, BDS ला प्रवेश मिळवायचा असेल, अगदी नर्सरी मध्ये सुद्धा एखाद्या कोर्सेस ला तुम्हाला प्रवेश मिळवायचा असेल तर त्यासाठी फिजिओथेरपी सारखे काही कोर्सेस आहेत त्यामध्ये जरी तुम्हाला प्रवेश मिळवायचा असेल तरी विद्यार्थ्यांना सगळ्यात महत्वाची एक्झाम द्यावी लागते, त्या परीक्षेचं नाव आहे नीट. मग या नीट परीक्षेमध्ये दरवर्षी जर आपण संपूर्ण देशाचा विचार केला तर संपूर्ण देशामधून दरवर्षी आपल्या भारतामधून 14 ते 15 लाख विद्यार्थी नीट नावाची परीक्षा देतात. नीट नावाची परीक्षा विद्यार्थी दिल्यानंतर जर आपण विचार केला तर वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये करिअरच्या संधी प्रचंड आहेत. आज आपल्या भारतामध्ये डॉक्टरांची सुद्धा प्रचंड प्रमाणांची गरज आहे. आज आपण जर पाहिलं तर गव्हर्नमेंट असेल, प्रायव्हेट असेल, अशा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये डॉक्टर असणारा जो व्यक्ती आहे, वैद्यकीय क्षेत्रामधला एक्सपर्ट असणारा जो व्यक्ती आहे त्याची गरज आहे. मग आज जर आपल्याला विद्यार्थ्यांना जर आपल्याला एक वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये जाऊन करिअर करायचं म्हटलं तर नीट नावाची एक्झाम द्यावी लागते. जर आपण पाहिलं तर दरवर्षी 14 लाख ते 15 लाख विद्यार्थी ही नीट नावाची परीक्षा देतात. आता जर आपण पाहिलं तर या परीक्षेमध्ये 720 पैकी कॅटेगरीवाईज जर आपण पाहिलं तर कट ऑफ जे आहे ते लागले जातात आणि पूर्ण देशामध्ये जर आपण विचार केला तर MBBS आपण ज्याला म्हटलं जातं MBBS च्या असणाऱ्या सीट जर आपण पाहिल्या तर 88,000 जागा ह्या MBBS च्या उपलब्ध आहेत.
ऍप्लिकेशन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जर पाहिली तर 14 लाख विद्यार्थी ऍप्लिकेशन दरवर्षी करतात. या माध्यमातून पूर्ण देश पातळीवरती ही परीक्षा घेण्यात येते. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना सखोल पद्धतीनं बायोलॉजी, फिजिक्स आणि केमिस्ट्री या विषयाचे अभ्यास करावे लागतात. मग हे अभ्यास करत असताना या परीक्षेचा असणारा जो पॅटर्न आहे तो एनसीईआरटी बेस्ड पॅटर्न असतो. म्हणजे परीक्षेला असणारा जो अभ्यासक्रम आहे तो एनसीईआरटी बेस्ड पॅटर्न असतो. आपला ग्रामीण भागातील विद्यार्थी 11वी 12वी नॉर्मल बोर्डनं शिकत असेल तर त्याचबरोबर त्याला तयारी करत असताना एनसीईआरटी बेस्डची तयारी करावी लागते. आणि आता जर आपण जे रिझल्ट लागलेले आहे त्याचे कट ऑफ जर आपण पाहिले तर मिनिमम कॅटेगरी वाईज कट ऑफ जे आहे ते सुद्धा या ठिकाणी जाहीर केलेले आहेत. मग ह्या मिनिमम कट ऑफच्या माध्यमातून जर आपण प्रवेशासाठी आपण विचार केला की आपल्याला एमबीबीएसला प्रवेश मिळवायचा आहे तर त्यामध्ये असणारे एमबीबीएसचे कॉलेजेस आहेत तर त्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं गव्हर्नमेंट कॉलेज ज्याला आपण सरकारी महाविद्यालय असं म्हटलं जातं. सेकंड ज्याला आपण प्रायव्हेट कॉलेज असं म्हटलं जातं. त्यानंतर ज्याला आपण डीम्ड युनिव्हर्सिटीज असं म्हटलं जातं, ज्याला ऑटोनॉमस असं म्हटलं जातं आणि एएफएस अशा पद्धतीचे जे काही कॉलेजेस असतात त्या कॉलेजच्या माध्यमातून हे पूर्णपणे एमबीबीएसचे प्रवेश जी प्रक्रिया आहे ती पूर्णपणे राबवली जाते. महाराष्ट्राचा संपूर्ण वैद्यकीयचा जर विचार केला तर महाराष्ट्रातील वैद्यकीय जे प्रवेश आहेत ते एमबीबीएस असतील, बीडीएस असतील, आयुष कोर्स आहेत, जे कॉलेजेस आहेत त्या सर्व प्रवेशासाठी एमएसटी सीईटी सेल कडून ऑनलाइन रजिस्टर करणं की ज्याला आपण ही काउन्सिलिंग प्रोसेस असे म्हटले आहे की आता नीटचे निकाल तर लागलेले आहेत मग याचं काउन्सिलिंग कुठून सुरू होतं तर याचं जे काउन्सिलिंग आहे ते एमएसटी सीईटी सेलच्या माध्यमातून होतं. म्हणजे स्टेट कडून 85% कोट्यामधले जे ऍडमिशन आहेत ते स्टेट कोट्यातून होतात आणि ऑल इंडिया जो कोटा आहे त्याच्यामधून 15% काउन्सिलिंग त्या ठिकाणी प्रवेश जे आहेत ते विद्यार्थ्यांचे घेतले जातात. म्हणजे नीटचा जो स्कोर आहे त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे 85% ज्या जागा आहेत त्या स्टेटमध्ये असणाऱ्या जागेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी भरल्या जातात. मग सर्वप्रथम आपल्याला जे काउन्सिलिंग करावं लागतं की त्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर वेगवेगळ्या पद्धतीच्या काउन्सिलिंगच्या वेबसाईट, मेडिकल काउन्सिलिंग कमिटी नावाची जी कमिटी आहे त्यासाठी सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या वेबसाईट आहेत तर त्या वेबसाईट सुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. त्या माध्यमातून तुम्हाला रजिस्ट्रेशन जी प्रक्रिया आहे त्या प्रक्रियेतून सामोरं जावं लागतं आणि त्या माध्यमाचं जे काउन्सिलिंग आहे त्या काउन्सिलिंगच्या प्रोसेसला सुद्धा आपल्याला सामोरं जावं लागतं. तर या वर्षीचा नीटचा जर मिनिमम आपण क्रायटेरिया पाहिला तर एखादा विद्यार्थी ओपन कॅटेगरीचा असेल तर त्याला 720 पैकी 138 मार्क असणं गरजेचं आहे. जर त्याला महाराष्ट्राच्या कुठल्याही गव्हर्नमेंटला तर एवढ्या मार्क्सवरती त्याचा नंबर लागणार नाही, परंतु जर त्याला प्रायव्हेट असेल किंवा इतर जर कॉलेजला घ्यायचं असेल ऍडमिशन तर 138 मार्क मिनिमम असणं गरजेचं आहे. एखादा दुसरा जो ओबीसी एससी आणि एसटी कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 108 आणि हँडिकॅप वगैरे असेल तर 122 म्हणजे मिनिमम तुम्हाला 138 मार्क जर तुम्हाला की पूर्ण देशामध्ये चालणारी प्रवेश प्रक्रिया आहे आणि या देशाचा जो प्रचार केला एमबीबीएस असेल, बीएमएस असेल, बीएचएमएस असेल त्यासाठी वेगळ्या काउन्सिलिंग थ्रू तुम्हाला सांगावं लागतं. महाराष्ट्राच्या पूर्णपणे ज्या स्टेटच्या जागा आहेत त्यामध्ये 15% आणि 85% म्हणजे 15% जो कोटा आहे तो ऑल इंडिया कोटा असतो, 85% जो कोटा आहे तो स्टेटच्या माध्यमातून ज्या सीट्स आहेत त्या भरल्या जातात. तर त्यासाठी एमएसटी सीईटी सेल जे आहे त्यासाठी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करणं तुम्हाला गरजेचं असतं. त्यासाठी नवीन आता वेबसाईट जी आहे ती गव्हर्नमेंट कडून रजिस्टर होते आणि त्या वेबसाईट वरती तुम्हाला त्या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन करणं गरजेचं आहे. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन तुम्ही ज्या वेळेला करता त्यावेळेला कॅटेगरी जे तुमची जी कास्ट आहे कास्टनुसार लागणारे जे डॉक्युमेंट्स तुम्हाला अपलोड करावे लागतात याची सुद्धा सविस्तर यादी तुम्हाला मेडिकल काउन्सिलिंग एमसीसीच्या वेबसाईट वर आहे किंवा सीटी सेलचं जे ज्या वेळेला नोटिफिकेशन येईल त्यावेळेला तुम्हाला डॉक्युमेंट त्या ठिकाणी कोणते लागतात ते सुद्धा त्या ठिकाणी सांगितलं जातं. गेल्या वर्षीपासून जर आपण पाहिलं तर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन ही प्रोसेस बंद करण्यात आलेली आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीनंच डॉक्युमेंटेशन जे आहे ते व्हेरिफिकेशन करावं लागतं. सगळ्यात महत्वाचं ज्या वेळेला आपण नोंदणी पूर्णपणे सीईटी सेलच्या माध्यमातून करतो ती नोंदणी केल्यानंतर तुम्हाला स्टेट मेरिट रँक ज्याला एसएमएल असं म्हटलं जातं, ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन ही प्रक्रिया झाल्यानंतर प्रत्येक विद्यार्थ्याचा एसएमएल ज्याला आपण स्टेट रँक असं म्हटलं जातं तर हा स्टेट रँक जो आहे तो त्या ठिकाणी भरला जातो.
मग हा जर आपण स्टेट रँक त्या विद्यार्थ्याला दिल्यानंतर वैद्यकीय प्रवेशासाठी प्रेफरन्स फॉर्म तुम्हाला भरावे लागतात आणि ऍडमिशन प्रोसेस मधील सर्वात महत्वाचा टप्पा जो आहे की आपल्याला प्रेफरन्स फॉर्म भरत असताना तो कसा भरला पाहिजे. सपोज एखाद्या विद्यार्थ्याला 720 पैकी 620 मार्क आहेत तर पाठीमागच्या वर्षाचे असणारे कट ऑफ ज्याला आपण म्हटलं जातं तर ते कट ऑफ विद्यार्थ्यांना पाहावे लागतात. मग त्या सपोज तुम्हाला गव्हर्नमेंट बारामतीचं कॉलेज आहे, बीजी मेडिकल कॉलेज आहे, कॅटेगरी वाईज कट ऑफ जी लिस्ट आहे ती सुद्धा त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी तुम्हाला प्रोव्हाइड केली जाते. जर तुम्हाला ही कट ऑफची लिस्ट तुमच्या व्हॉट्सअप नंबरवरती हवी असेल तर तुम्हाला चॅट बॉक्समध्ये तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकवरती तुम्ही नाव नोंदणी करणं गरजेचं आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना कॅटेगरी वाईज जे पूर्णपणे कट ऑफ जो आहे तो प्रिव्हियस वर्षाचा जो कट ऑफ आहे तो कट ऑफ देण्यासाठी मी चॅटमध्ये त्या ठिकाणी एक लिंक पेस्ट करतोय. त्या लिंकवरती तुम्हाला तुमचा पूर्णपणे जी इन्फॉर्मेशन आहे तर त्यावरती तुम्ही त्या ठिकाणी फिल करू शकता. तुमच्या व्हॉट्सअपला पूर्णपणे जो कट ऑफ आहे तो कट ऑफची लिस्ट जी आहे ती तुम्हाला त्या ठिकाणी दिली जाईल. म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं आहे की ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करत असताना कॅटेगरी वाईज डॉक्युमेंटेशन अपलोड करणं गरजेचं आहे. डॉक्युमेंट अपलोड करत असताना तुम्हाला स्टेट मेरिट रँक सुद्धा मिळतो, तो मिळाल्यानंतर तुम्हाला प्रेफरन्स फॉर्म जो आहे तो त्या ठिकाणी भरावा लागतो. प्रेफरन्स फॉर्म जो आहे तो त्या ठिकाणी चेंज करता येत नाही. फॉर्म कसे कुठे भरण्यासाठीचं जे काउन्सिलिंग आहे ते सुद्धा आत्मीय एज्युकेशन या संस्थेच्या माध्यमातून तुम्हाला केलं जातं. त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर प्रेफरन्स फॉर्म नंतर एमएसटी सीईटी सेलकडून वैद्यकीय प्रवेशासाठी काही राऊंड जे आहेत तर त्या ठिकाणी राऊंडच्या माध्यमातून जाहीर करण्यात येतात आणि त्या राऊंडच्या माध्यमातून टाइम टेबल नुसार तुम्हाला ते फॉलो करावं लागतं. आणि हे रिपीटेड राऊंड काही त्या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर एमबीबीएस, त्यानंतर बीडीएस आहे, बीएमएच आहे, बीएएमएस आहे ज्याला आयुर्वेदिक असं म्हटलं जातं, बीयूएमएस आहे, त्यानंतर फिजिओथेरपी आहे, बीएससी नर्सिंग आहे, बीएचएमएस आहेत. हे सर्व जे प्रवेश आहेत ते नीटच्या माध्यमातून भरले जातात. जर आपण महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये ज्या असणारे जे कॉलेजची संख्या सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला पाहावी लागते. आणि त्यानंतर इनटेक जर आपण पाहिला महाराष्ट्राचा विचार केला तर गव्हर्नमेंटमध्ये एमबीबीएसच्या असणाऱ्या ज्या सीट आहेत त्या 3453 सीट अवेलेबल आहेत. आता साताऱ्याचं जे गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आहे तिथे सुद्धा त्या ठिकाणी मान्यता तुम्हाला मिळालेली आहे. प्रायव्हेट सीट पाहिल्या तर 2120 सीट त्या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. म्हणजे जर एमबीबीएस आपल्याला विद्यार्थ्याला करायचं असेल तर पूर्ण देशाचा विचार केला तर पूर्ण देशामध्ये 88,000 जागा उपलब्ध आहेत. आणि जर आपण महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये 3453 सीट उपलब्ध आहे. म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्रामधून नीट देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही 3 लाखाच्या आसपास आहे. आणि 3 लाखामधून जर आपण पाहिलं तर एमबीबीएस करण्यासाठी असणाऱ्या उपलब्ध असणाऱ्या सीट ज्या आहेत ते 3453 आहेत. प्रायव्हेटचा जर आपण विचार केला तर 2120 सीट तुमच्या उपलब्ध आहेत. म्हणजे टोटल गव्हर्नमेंट आणि प्रायव्हेटचा जर आपण विचार केला तर 5573 सीट्स ज्या आहेत त्या एमबीबीएस करण्यासाठी उपलब्ध आहेत. त्याच पद्धतीनं बीडीएस आहे, बीडीएस साठी 217 सीट उपलब्ध आहेत गव्हर्नमेंटच्या, आणि प्रायव्हेटमध्ये 2350 सीट ज्या आहेत त्या उपलब्ध आहेत. बीएमएचा जर विचार केला तर 1407 आणि प्रायव्हेटचा जर विचार केला तर 2860 सीट उपलब्ध आहेत. त्याच पद्धतीनं बीएचएमएचा विचार केला तर त्या पद्धतीच्या सुद्धा बीएमएचच्या जर सीट आपण बीएएमएच्या जर सीट पाहिल्या तर 1407 गव्हर्नमेंट आणि प्रायव्हेटच्या जर पाहिल्या तर 2860 हे महाराष्ट्राचं मी तुम्हाला सांगितलं. तर हे करत असताना विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे कॅप थ्रू हे जे प्रोसेस आहेत ते त्या ठिकाणी होतात. जर आज आपण विचार केला तर मेडिकल प्रवेशामध्ये आपण आजच्या सेमिनारचा उद्देश हाच आहे की विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे मार्गदर्शन मिळावं. आज आपण पाहिलं तर या सिस्टीममध्ये दरवर्षी 14 ते 15 लाख विद्यार्थी परीक्षा देतात. 14 ते 15 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिल्यानंतर त्या ठिकाणी उपलब्ध असणाऱ्या जर आपण सीट जर पाहिल्या तर संपूर्ण 88,000 सीट आहेत. जर आपण विचार केला ज्या विद्यार्थ्यांना गव्हर्नमेंटला ऍडमिशन हवं असेल त्यांचा जर आपण कट ऑफ जर पाहिला तर ओपन कॅटेगरी मधला जर विद्यार्थी असेल तर त्याचा असणारा कट ऑफ जो आहे तो सुद्धा मी त्या ठिकाणी पाठीमागच्या वर्षीच्या काही कॉलेजचे मी तुम्हाला कट ऑफ जे आहे ते या ठिकाणी मी नमूद करतो की कशा पद्धतीनं एखाद्या विद्यार्थ्याला त्या ठिकाणी जावं लागतं त्या प्रोसेस मधून. जर तुम्ही विचार केला तर कॅटेगरी वाईज जर आपण कट ऑफ जर पाहिले तर एखादं जर आपण कॉलेज पाहिलं तर सपोज त्या ठिकाणी ग्रँट मेडिकल कॉलेज मुंबईचं आहे तर त्याला ओपन कॅटेगरीचा जर एखादा विद्यार्थी असेल तर 720 पैकी 660 गुण ओपन कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्याला गरज होती.
त्यानंतर एससी कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्याला 558 गुणांची गरज होती, एसटी कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्यासाठी 430, फी जी असेल तर 595, NT1 577, त्यानंतर NT2 618, NT3 635, OBC 623 आणि EWS 617. म्हणजे ह्या सगळ्या आकडेवारीचा जर आपण अनालिसिस केला तर विद्यार्थ्याला 720 पैकी मिनिमम जर तुमच्या विद्यार्थ्याला 570 च्या आसपास गुण असेल तर गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जे आहे त्याला तुम्ही अपेक्षा करू शकता. आता आपण बीडजे मेडिकल कॉलेज जे आहे पुणे त्याचा जर आपण थोडासा 2020 जर अनालिसिस केलं तर जनरल कॅटेगरी मधला जो विद्यार्थी आहे तर त्याच्यासाठी 635 मार्क्स त्या ठिकाणी 720 पैकीच्या कट ऑफ मधून विद्यार्थ्याचा प्रवेश झालेला आहे. त्यानंतर जर तुम्ही विचार केला एससी कॅटेगरी मधून 540 जे गुण आहेत त्या विद्यार्थ्याला त्या ठिकाणी ऍडमिशन झालेला आहे. त्यानंतर जर आपण एससी एसटी कॅटेगरी आहे 441 असे हे जे कट ऑफ जे आहेत किंवा कट ऑफचे सुद्धा विस्तृतपणे माहिती जी आहे मी तुम्हाला त्या ठिकाणी या माध्यमातून त्या ठिकाणी देणार आहे. ज्या ज्या या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि हे कट ऑफ तुम्हाला मोफत तुमच्या व्हॉट्सअपवरती हवे आहेत त्यांच्यासाठी त्या ठिकाणी मी एक लिंक जी आहे ती चॅट बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. गुगल फॉर्मची ती लिंक आहे त्याच्यामध्ये तुमची जी यादी आहे ती यादी सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी फिलअप करू शकता. म्हणजे जर विचार जर तुम्ही केला तर हे अशा पद्धतीची प्रोसेस आहे. मग आपल्या महाराष्ट्रामध्ये असणाऱ्या ज्या करिअरच्या संधी आणि देशामधल्या असणाऱ्या ज्या करिअरच्या संधी आहे याबद्दलचं थोडक्यात सिनेरियो मी या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलेला आहे. यानंतर ज्यांचा आपण लेक्चर पूर्णपणे विस्तृतपणे की ज्यांचं या क्षेत्रामधला अनुभव आहे की जर आपण पाहिलं तर बरेच पालक आणि विद्यार्थी एक अबॉर्ड मध्ये MBBS करण्याचा विचार करतात. फिलिपाईन्स असेल, जॉर्जिया असेल, अशा प्रकारच्या देशांमध्ये सुद्धा जर आपण प्रायव्हेट कॉलेजचा विचार केला तर प्रायव्हेट कॉलेजसाठी असणारा डोनेशनचं सगळं आपण जर पाहिलं तर 1 करोडच्या आसपास विद्यार्थ्याचं डोनेशन आणि फीस त्या ठिकाणी जाते. पूर्ण MBBSचा खर्च जर आपण पाहिला तर सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्याचं MBBSचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आत्मीय एज्युकेशन नावाची जी संस्था आहे ती कशा पद्धतीनं काम करते तर मी जास्त वेळ न घेता डॉक्टर नीरज कुमार शहा सर यांना मी या ठिकाणी आमंत्रित करतो की सरांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावं. तत्पूर्ती सरांचं असणारं जे काम आहे की सरांनी कशा पद्धतीनं काम करतात मी जेंजवळ सरांना मी विनंती करेल की त्यांनी सरांचा परिचय करून द्यावा आणि थोडक्यातच आपण मी जास्त वेळ न घेता डॉक्टर शहा सर आपल्याला या ठिकाणी मार्गदर्शन करतील. मनोज सर धन्यवाद. सर शहा सर एक मिनिट फक्त आपल्याला थांबवतो. मनोज सर धन्यवाद, आपण खूप चांगलं असं मार्गदर्शन उपस्थित पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना केलेलं आहे त्याबद्दल पुन्हा एकदा मी रोटरी क्लबच्या वतीनं आपलं आभार व्यक्त करतो आणि आमचे रोटरी मेंबर सीए चार्टर्ड अकाउंटंट सीए विक्रांत देशमुख यांना विनंती करतो की डॉक्टर शहा यांचं आपल्याला थोडक्यात ओळख करून द्यावी. धन्यवाद मनोज सर. नमस्कार, गुड इव्हनिंग ऑल. प्रथमतः मी आपल्या आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपले प्रमुख पाहुणे लाभलेले आहेत डॉक्टर नीरज कुमार शहा आणि मनोज सर यांचे खूप खूप आभार आणि स्वागत करतो. आता आपल्या आपल्या करिअर मार्गदर्शनावरती बोलणार आहेत शहा सर, तर त्यांचा थोडक्यात मी परिचय करून देतो. डॉक्टर शहा सर हे आत्मीय एज्युकेशन संस्थेसाठी काम करतात. या संस्थेमध्ये ते 2012 पासून प्रवेश मार्गदर्शक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी भारत व परदेशातील वैद्यकीय क्षेत्रातील संधी या विषयावरती सरांचे अनेक व्याख्याने संपन्न झालेले आहेत. तसेच सर आंतरराष्ट्रीय करिअर मार्गदर्शक म्हणून पण ओळखलेले जातात. आता आत्मीय एज्युकेशन म्हणजे काय? आत्मीय एज्युकेशन हे गेले 30 वर्षापासून वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात काम करत आहे. या संस्थेचे या संस्थेची सुरुवातीला गुजरात या राज्यापासून झालेले आहेत. आता या संस्थेची भारतात एकूण 16 कार्यालय आहेत. या संस्थेचे महाराष्ट्रामध्ये मुंबई येथे मुख्य कार्यालय आहे, तसेच पुणे येथे विभागीय कार्यालय आहे. या संस्थेने 2012 पासून वैद्यकीय शिक्षणावर मुख्य भर दिला आहे. आत्मीय एज्युकेशन ही संस्था एक पालकत्व प्रमाणे विद्यार्थ्याकडे लक्ष देते. विद्यार्थ्याचे प्रवेश घेतल्यापासून ते त्यांचे संपूर्ण MBBS
उच्च शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत संपूर्ण जबाबदारी ही आत्मीय एज्युकेशन संस्था घेते. वैद्यकीय शिक्षण घेतल्यानंतर ही संस्था सर्व प्रकारचे मार्गदर्शन करते. या संस्थेचे ध्येय मुलांची सुरक्षितता व आत्मविश्वास निर्माण करणे हे मुख्य ध्येय आहे. साधारण दरवर्षी 400 विद्यार्थ्यांना ही संस्था प्रवेश मिळवून देते. वैद्यकीय प्रवेश त्यामध्ये साधारण 200 विद्यार्थी पुणे नागपूर सांगली सातारा कोल्हापूर दोन या शहरातून असतात. त्यामध्ये 60% मुलांचा प्रवेश असतो, 40% मुलींचे प्रवेश असतो. तसंच डॉक्टर नीरज कुमार शाह यांना शिक्षण ऊर्जा अर्थशास्त्र या क्षेत्रामध्ये रस आहे. तसेच प्रवाशाची ही त्यांची विशेष आवड आहे. त्यांच्याकडे लॉन्च पॅड म्हणून अभियांत्रिकी पदवी आहे, जिथे त्यांनी 15 वर्षांहून अधिक काळ भारतीय एमएनसी मध्ये व्यवस्थापक आणि वरिष्ठ व्यवस्थापक स्तरावर काम केले आहे. त्यांनी 8 पेक्षा जास्त देशांमध्ये अनेक औद्योगिक आणि अक्षय ऊर्जा विकास प्रकल्पांचे नेतृत्व केले आहे आणि बरेच प्रकल्प विकसितही झाले आहेत. आजपर्यंत त्यांनी 40+ देशांचा प्रवास केला आहे. म्हणजे प्रवासाची आवड आहे हे यातून साध्य होत आहे. त्यांनी अक्षय ऊर्जा घटक निर्मिती प्रक्रिया आणि सुविधा या क्षेत्रात पीएचडी पूर्ण केले आहे. सध्या ते रिअल इस्टेट अक्षय ऊर्जा घटकांचा विकास आणि परदेशी शिक्षण क्षेत्र यामधील कार्यात व्यस्त असतात. आत्मीय एज्युकेशनचे मुख्य प्राधिकारी समुपदेशक डॉक्टर शाह यांनी पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्र विभागातील 300+ विद्यार्थ्यांना सर्टिफाईड वैद्यकीय व्यावसायिक म्हणून त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यात मदत केली आहे. डॉक्टर शाह हे पुणे विभागीय कार्यालयाच्या आत्मीय शिक्षणाचे प्रमुख आहेत आणि संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेश मराठवाडा कोकण आणि गोवा प्रदेश ते प्रमुख आहेत. असे संपूर्ण ह्या क्षेत्रात अनुभव असलेले शाह सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे. Yes, thank you sir, thank you very much. सर फॉर योर काइंड वर्ड्स. सर मैं थोड़ा ये बात थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में करूंगा तो सबको और मजा आएगा. सबसे पहले मैं बात करता हूँ रोटरी क्लब की. तो थैंक यू रोटरी क्लब के आपने ये आज ये बहुत ही बड़ा सेमिनार प्लान किया हुआ है, क्योंकि आपका जो मिशन है रोटरी क्लब का मिशन इज टू सर्विस टू अदर्स, टू प्रमोट द वेरी स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी एंड एडवांस वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल. जो आपका मेन पर्पस है ये पूरे क्लब का, कि कैसे हम सब लोग को हेल्प करें, सब लोग में एक स्ट्रॉन्ग कल्चर लाए और सभी लोगों को कैसे आज पूरे वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है वो हम शेयर करें. सो दिस इज अ वेरी ग्रेट पर्पस फॉर द होल मिशन द होल क्लब. तो मैं सब क्लब मेंबर्स को या मैं सभी लोगों को आई एम सेइंग वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच कि आपने ये काम अच्छा किया है. अभी बात करते हैं फॉर द एमबीबीएस डॉक्टर्स की बात करते हैं. तो मनोज सर ने बहुत ही अच्छा बात किया कि हम सबको मालूम है कि डॉक्टर्स का क्या महत्व है हमारे जीवन में. और पिछले 2 साल से तो हमको और ज्यादा मालूम हो गया कि जब पूरे देश और पूरा वर्ल्ड बंद पड़ा था और तब सिर्फ डॉक्टर्स लोग काम करते थे और वो भी सब हमारे हेल्थ के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए. और मनोज सर ने एक और अच्छा बात किया है कि अगर किसी भी बच्चे को या एनी बॉय और गर्ल एनी स्टूडेंट को अगर भारत में डॉक्टर बनना है तो क्या क्या करना चाहिए. वो बच्चे को पास करना चाहिए 12th साइंस का बोर्ड ग्रुप बी में पीसीबी एंड वो बच्चे को पास करना चाहिए नीट. अभी नीट की अभी सर मैं क्या करता हूँ इसके साथ में आई विल शेयर माई स्क्रीन and I will going to share some sort of slides. तो आपको और मजा आएगा. Just give me a minute. हाँ सर आया मेरा स्क्रीन शेयर के ऊपर. Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So, आज जो बात करते हैं डॉक्टर्स की, तो जो अगर किसी भी बच्चे का डॉक्टर्स बनना है
तो उनको 12th साइंस में स्कोर अच्छा चाहिए और नीट में जो एग्जाम है गवर्नमेंट एग्जाम उसमें मिनिमम 500 या 560 के ऊपर मार्क्स चाहिए तो ही उनको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो बात करते हैं कि भारत में आज की तारीख में डॉक्टर्स की क्या स्थिति है और क्या क्या वैल्यू है, क्या है। तो एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हमको एक डॉक्टर चाहिए फॉर एवरी 1000 पॉपुलेशन, मतलब कि 1000 लोगों के बीच में हमको एक डॉक्टर चाहिए। और 2019 का MCI मतलब कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो उसका रिपोर्ट्स है वहां पे बताया गया है कि भारत में एक डॉक्टर है एट द एवरी 1674 पॉपुलेशन, मतलब कि भारत में डॉक्टर्स की कमी है। वो कितनी कमी है, वो करीबन 500,000 डॉक्टर्स। आज हमारे करीबन 120 कोटी पॉपुलेशन पूरे इंडिया का है और हर रोज बढ़ रहा है, उसमें 2019 में 500,000 डॉक्टर्स का शॉर्टेज था और 2021 में और बढ़ गया होगा करीबन 5,250 डॉक्टर्स, और ये गैप बहुत ही बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। कोई भी देश या कोई भी समाज या कोई भी फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इज अ हेल्थ। हम बोलते हैं सब लोग हेल्थ इज अ वेल्थ, अगर सब लोग हेल्दी नहीं है, सब लोग फिट नहीं है तो दे कैन नॉट वर्क प्रॉपरली और हम सबका ग्रोथ नहीं हो सकता। तो एज अ कंट्री अगर हमको भारत को आगे बढ़ना है तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमको डॉक्टर्स चाहिए, हमको सब फैसिलिटीज चाहिए। तो आज की तारीख में भारत में करीबन 5.5 लाख डॉक्टर्स की कमी है। और जैसे सर ने बताया कि नीट की बात करते हैं तो हर साल नीट देने वाले बच्चे की संख्या बढ़ रही है। 2019 में पूरे भारत में जो बच्चे ने एग्जाम दिया नीट का वो है करीबन 15,20,000। 2020 की बात करें तो करीबन 15,97,000 और अभी लास्ट ईयर 2021 की बात करें तो करीबन 16,10,000 बच्चों ने नीट एग्जाम दी। इसका मतलब कि पूरे भारत में करीबन 16,00,000 बच्चों को मेडिकल लाइन में काम करने का इच्छा है, पैशन है उनका, वो ड्रीम है। बट कैन ऑल दे बिकम डॉक्टर्स? नो। और इसमें से करीबन हर साल करीबन 7 से 7.5 लाख बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं। जैसे सर ने बताया कि इस साल आपका नीट क्वालिफाइंग स्कोर है 138 फॉर ओपन कैटेगरी एंड 108 इज फॉर द कास्ट कैटेगरी। तो मतलब कि 138 और 108 में भी सिर्फ 45% बच्चे आते हैं, बाकी सब बच्चे फेल है, मतलब कि 7.5 लाख बच्चे ही नहीं नीट क्वालिफाई किया हुआ है। तो अब बात करते हैं 7.5 लाख बच्चों की। तो भारत की बात करते हैं इंडिया में तो अपने पास आज कितने MBBS और BDS कॉलेज है, तो करीबन 1,00,000 से 1,10,000 कॉलेज है सीट्स अवेलेबल पूरे भारत में थ्रू नीट की बात करेंगे उसके ऊपर। और उसमें गवर्नमेंट कॉलेज है सिर्फ 45,000। और हम बात करते हैं महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल है हार्डली अबाउट 9,000 सीट्स आउट ऑफ एंटायर इंडिया 45। तो जो भी कुछ बच्चों को गवर्नमेंट में एडमिशंस लेना है तो उनको मिनिमम 550-570 मार्क्स के ऊपर ही स्कोर आए देन तभी उसको गवर्नमेंट में एडमिशन मिलने का चांसेस अच्छा है। अगर किसी बच्चे को गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिलता है तो उनके पास ऑप्शन सेकंड है कि दे कैन ऑप्ट फॉर द एनी कॉलेज ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज, वो भी इंडिया में है, वो भी करीबन 60-70 लाख सीट्स अवेलेबल है, सॉरी 60-70 हजार सीट अवेलेबल है। और हम सबको मालूम है कि गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़कर प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है, ये आपके सामने मैंने एक रखा है कि हम बात करते हैं महाराष्ट्र की और पुणे एरिया की तो आपके प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज की फीस है साल की करीबन 13 लाख से लेकर 26 लाख तक। मतलब कि अगर बच्चे को MBBS करना है प्राइवेट कॉलेज में या डीम्ड कॉलेज में तो उनको ऑफिशियल फीस भरनी है करीबन 60 लाख से लेके 1,20,00,000 तक। ये सिर्फ है
कॉलेज की फी ऑफिशियल। अगर कोई कॉलेज इफ दे आर आस्किंग फॉर डोनेशन या फिर बाकी कोई खर्चा तो इसमें यहाँ पे नहीं है। इसमें बाकी कोई खर्चा ऐड नहीं है लाइक बच्चों का खाने का पीने का रहने का बाकी सब जो खर्चा है वो इसमें नहीं है। तो समझो कि बच्चे अगर कोई कॉलेज में पढ़ता है तो उनको साल उनका पूरा MBBS का उनका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1 करोड़ के आसपास सब खर्चा मिला के। और हमको मालूम है कि सर MBBS इज नॉट अ फुल स्टॉप। जो भी बच्चा होशियार है और जिस भी बच्चे को अपना कैरियर स्ट्रांग बनाने का है तो वो बच्चा आगे जाके MD या MS भी करेगा। तो मतलब कि आपको 6 साल का MBBS का टाइम और आगे और 3 या 4 साल का MD या MS का टाइम, मतलब कि आपको 10 साल का टाइम इन्वेस्टमेंट और करीबन 1.5 से 2 करोड़ आपका कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। सबके पास ये ताकत पैसे की नहीं होती है। बेसिकली जो बच्चे आते हैं छोटे गांव से या छोटी जगहों से, उस सब बच्चे के पास दे हैव द पैशन, दे हैव द ज़िल, दे हैव द फोकस कि उनको MBBS करना है, उनको डॉक्टर बनना है। बट कोई भी कारण से शायद उनके मार्क्स कम आए और उनको गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिला तो दे कैन नॉट अफोर्ड दिस फीस। तो उनका वो ड्रीम होता है कि टू बिकम डॉक्टर, वो फुलफिल नहीं होता। उसके सामने वी आर लूजिंग एज ए कंट्री गुड डॉक्टर्स। तो बाकी लोग क्या करते हैं कि जिस लोगों को सपोज के 7 लाख बच्चों ने अभी नीट पास किया और 1 लाख बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन लिया गवर्नमेंट में और डीम में सब मिला के, तो बाकी के 6 लाख बच्चे क्या करते हैं? तो वो बच्चे के पास ऑप्शन है या फिर दे कैन डू फॉर एनी BHMS और BAMS और एनी कोर्स इन फार्मेसी और दे कैन डू BSc। और बहुत सारे बच्चे दे विल ट्रेवल आउटसाइड, वो भारत के बाहर पढ़ने जाएंगे MBBS करने के लिए। आज करीबन देखो कि करीबन पिछले 8-10 साल से करीबन हर साल 1 से 1.5 लाख बच्चे भारत से बाहर पढ़ने जाते हैं MBBS करने के लिए। बहुत सारे कंट्रीज है, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। करीबन 65-72 कंट्रीज आर अवेलेबल कि जहां बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, बट वहां का भी खर्चा अलग अलग होता है। तो हमने बात किया, अभी बात करता हूँ आत्मी एजुकेशन की, जहाँ जो मैं हूँ, जो मेरी कंपनी है। तो हमने सोचा कि अपना इतना बड़ा देश है, इतने सारे बच्चों को MBBS करना है, तो हम ऐसा क्या करें कि जैसे कि सबको एक अच्छा सा ऑप्शन मिले, अच्छा एजुकेशन मिले और एकदम बेस्ट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट में बच्चों का MBBS हो जाए। तो एज ए कंपनी आत्मी एजुकेशन हम ये काम करते हैं पिछले 30 साल से। आज हमारे करीबन पूरे भारत में करीबन 16-17 ऑफिस है। हमने जब काम शुरू किया था तो वी आर वर्किंग लाइक सॉर्ट ऑफ कंसल्टेंट, हम लोग सब कुछ ऑप्शन करते थे। बट पिछले 8-9 साल से करीबन 2012 से आगे वी वर्क एज अ गार्डियन, एज अ पालक। हम लोग बच्चों का 5 साल का जो उनको पढ़ाई होता है उनके लिए उनको जो कोई कुछ हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सिस्टम चाहिए, पढ़ाई चाहिए, वो हम सब प्रोवाइड करते हैं। तो अभी बात करता हूं कि एज अ पालक और एज अ कंपनी हमने सिर्फ 2 कॉलेज के साथ में टाइप किया हुआ है। बट उसके पहले मैं एक और बात करूंगा आपसे कि अगर कोई बच्चा इंडिया में बात काम करता है, यहाँ इफ दे आर टेकिंग एडमिशन इन इंडिया इन एनी प्राइवेट कॉलेज, और अगर वो बच्चा लेता है लोन लेता है, तो अगर कोई बच्चा पढ़ने के भी लोन लेता है करीबन 30 लाख 40 लाख 50 लाख की लोन, तो बच्चा जब पढ़ के बाहर आएगा अपना काम शुरू करेगा तो उस बच्चे के ऊपर मिनिमम महीने के 50-60 हजार का EMI होगा। अभी बच्चे का सैलरी है करीबन 60-70 हजार रुपए या 1 लाख रुपए, उनमें से 60-70 हजार रुपए आप EMI भरोगे तो आपका ग्रोथ कहाँ जाएगा। तो मेरा आप सब पालकों से, आप सब पेरेंट्स से, आप सब स्टूडेंट से एक ही पॉइंट है यहाँ पे कि जो भी कुछ आप डिसीजन लो, वो डिसीजन में आपको सब कुछ आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पढ़ाई करना है। जो जहाँ बच्चे जहाँ पे जाए पढ़ाई करने जाएगा तो वो जगह कैसी है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या कॉस्ट है। अभी बात करते हैं आत्मी एजुकेशन की। तो जिस बच्चे को MBBS करना है और जिस बच्चे के का स्कोर थोड़ा सा कम आ गया है नीट के अंदर, दे आर नॉट एबल टू स्कोर 550-500,
और जो बच्चे ने नीट पास कर लिया है दे स्कोर मोर देन 150 यस हम यहाँ आपके साथ बैठे हैं आप सपना पूरा करेंगे डॉक्टर बने का हमारे पास टॉप रैंकिंग जो कॉलेज है वर्ल्ड की वो है अपने पास फी स्ट्रक्चर एकदम अफोर्डेबल है मैं आपसे बात करूंगा अगले ने कोई डोनेशन नहीं है देयर इज नो डोनेशन आपको एडमिशन सीधा वो कॉलेज में मिलेगा एंड वो एडमिशन सीधा हम करवा के देंगे एज आत्मीय क्योंकि हमारा उनके साथ सीधा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है हमारे और कॉलेज के बीच में कोई थर्ड पार्टी या कोई भी कोई एजेंट नहीं है वी आर स्ट्रेट अवे वर्किंग विद द कॉलेज और आज तक हमने करीबन 5,000 बच्चों को हेल्प किया हुआ है टू बिकम डॉक्टर्स तो बात करते हैं कि अपने पास ऑप्शंस क्या है जहां हम बात करते हैं एज आत्मीय एजुकेशन तो एक ऑप्शन है इन फिलीपींस में फिलीपींस में नाम है कॉलेज का गुलास कॉलेज ऑफ मेडिसिन फिलीपींस ये कॉलेज है करीबन 100 साल पुराना कैंपस है गवर्नमेंट अप्रूव्ड है इट इज बीन अप्रूव्ड बाय एमसीआई एंड ऑल कंट्रीज और यहाँ पे जो है अपना कॉलेज मेडिकल कॉलेज गुलास मेडिकल कॉलेज इट इज देयर फॉर लास्ट 40-45 इयर्स और सेकंड कॉलेज है जॉर्जिया में दे आर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनिट और ये कॉलेज का नाम है एसयू मेडिकल कॉलेज वो टॉप 5 कॉलेज जॉर्जिया की है टॉप 5 कैंपस है मैं अभी आपको सब कुछ थोड़ा ब्रीफ करूंगा ये कॉलेज के ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं फिलीपींस की तो आप यहां देख सकते हो कि सबसे पहले आया क्वेश्चन के ये जो कंट्री फिलीपींस आया कहां पे तो आपके सामने स्क्रीन पर है कि हम लोग बैठे हैं इंडिया में बॉम्बे के पास इन पूना और पुणे रीजन और जो कंट्री फिलीपींस आया है इन द साउथ ईस्ट एशिया मतलब कि दक्षिण पूर्व एशिया में आया है इज वेरी क्लोज टू मलेशिया सिंगापुर वियतनाम हांगकांग ताइवान वहां का एटमोस्फियर सेम लाइक गोवा क्योंकि वहां चारों तरफ पानी है एकदम क्लीन एटमोस्फियर है देर इज नो पॉल्यूशन और ये फिलीपींस कंट्री है और जो अपना कॉलेज है वो वहां का सिटी का नाम है सेबू सिटी सीईबीयू सेबू सिटी सेबू सिटी वो फिलीपींस का वन ऑफ द टॉप सिटी है लाइक बॉम्बे ऑफ इंडिया वहां का उनका आईटी उनका एजुकेशन और उनका फाइनेंशियल सेंटर है और अपनी कॉलेज सेबू सिटी के सेंटर में है मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज एकदम गांव के बाहर 20-50 किलोमीटर दूर है अपनी कॉलेज सिटी के एकदम सेंटर में है अपने कॉलेज में का जो कोर्स है वो है वहाँ एमबीबीएस का कोर्स है करीबन 4.5 साल का और उस प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप ये इंटर्नशिप है वहाँ आपके पास ऑप्शन है बच्चों के पास दे कैन डू इंटर्नशिप इन फिलीपींस और इन इंडिया और सम और कंट्री में जाके उनको काम करना है भारत के बाहर और फिलीपींस के बाहर लाइक अमेरिका है कनाडा यूके है तो भी हम बच्चों को पूरा गाइड करते हैं सपोर्ट करते हैं कि वहाँ जाके भी आप पढ़ सकते हो अपना कॉलेज का पैटर्न है पढ़ने का इट इज बेस्ड अपॉन यूएस पैटर्न ऑफ एजुकेशन मतलब कि जो बच्चा पढ़ता है यूएस में उस तरह का ही यहाँ पे पढ़ाई होता है क्योंकि जो जो कंट्री फिलीपींस कंट्री है ये कंट्री वाज रूल्ड बाय अमेरिका फॉर 42 इयर्स मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले यहाँ पे अमेरिका ने राज किया था करीबन 20-40 साल तो ये पूरे कंट्री का कल्चर इज लाइक अमेरिका यहाँ के 92% जो पॉपुलेशन है वो इंग्लिश बोलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे को इंग्लिश में ही पढ़ाई करना है बाकी सब ऑप्शंस अवेलेबल है एमबीबीएस के बाकी सब कंट्रीज में लाइक चाइना है रशिया है बाकी आवाज वहां पे आपको पढ़ाई यहाँ पर नहीं इंग्लिश में हेलो नाउ हेलो अब ठीक है हाँ और अपना जो कॉलेज कैंपस है जो वो है टॉप 3 इन फिलीपींस अपने फिलीपींस में जो टॉप 3 कॉलेज है एमबीबीएस की उसमें हमारा नाम है हमारी कॉलेज से हर साल बच्चे जो पास होते हैं जो भी बच्चे एमबीबीएस करते हैं भारत के बाहर उन सब बच्चों को इंडिया में आने के बाद दे हैव टू गिव एन एग्जाम्पल नेक्स्ट भारत के आने के बाद उनको नेक्स्ट की एग्जाम देनी पड़ती है नेशनल एग्जिट टेस्ट नाम है उसका अभी एमसीआई नाम है अभी बट 2023 के बाद उसका नाम चेंज होने वाला है नेक्स्ट
तो हमारे करीबन हर साल 90-91% बच्चे वो पास होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही. वी हैव द अमेजिंग ट्रैक रिकॉर्ड. बात करते हैं कॉलेज की बात कैंपस के बारे में, तो वी हैव द वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. यहाँ पे देख सकते हो अपना जो क्लासेस अवेलेबल है, एकदम हाईटेक क्लासेस है. हर एक क्लास में जो उनका पढ़ाई, हर एक क्लास में एसी होता है विथ वेरी स्मार्ट बोर्ड्स, ऑडियो वीडियो और प्रेजेंटेशंस. और हमारी कॉलेज ने टाइप किया हुआ है विथ कैलिफोर्निया बोर्ड ऑफ मेडिसिन अमेरिका. तो मतलब कि कुछ भी नया चीज डेवलप होता है मेडिकल फील्ड में अमेरिका में, तो हमारे बच्चों को उसका सीधा लाभ मिलता है. हमारे जो बच्चे थर्ड फोर्थ ईयर वाले बच्चे, उन बच्चों को देव अपॉर्चुनिटी टू हैव द लाइव क्लास फ्रॉम अमेरिकन कॉलेज. तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों को कि आपकी पढ़ाई तो करो, पढ़ाई के साथ साथ में आपका एक्सपोजर भी अच्छा होना चाहिए. क्योंकि आज की तारीख में सर क्या है, हम सबको मालूम है कि पढ़ाई और आपका नॉलेज इज नॉट द सॉल्यूशन. आपके पास नॉलेज कितना भी हो, बट अगर आपको वो नॉलेज, आपका वो स्किल को कैसे आप काम करते हो, कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हो, वो आपको अगर अच्छी तरह से नहीं आता तो कोई भी बच्चा सक्सेसफुल नहीं बन सकता. तो वो चीज हम ध्यान रखते हैं इन आत्मीय में कि एजुकेशन के साथ साथ में उनका एक्सपोजर, एक्सपीरियंस एंड एनवायरमेंट, वो चारों चीज उनके अच्छे मिले तो बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो सकता है. हम लोग करीबन साल में करीबन 350 बच्चे हमारे जाते हैं आत्मीय से ये कॉलेज में. आप यहां देख सकते हो बहुत सारे बॉयज गर्ल्स हैं, इनमें से करीबन 40% आर गर्ल्स. अभी बात करते हैं ये बच्चों में से हर साल करीबन 200 से ज्यादा बच्चे हैं महाराष्ट्र से, पुणे, बारामती, दौंड, इंदापुर, अहमदनगर, लातूर, सांगली, कोल्हापुर, सब जगह से हमारे पास. और उनमें करीबन 100 से ज्यादा बच्चियां हैं, अपनी खुद की बच्चियां अपने पास रहती है हर साल. अपना खुद का वहां पे हॉस्टल, आत्मीय का खुद का हॉस्टल, हमारा खुद का वहां पे टीम है. करीबन 8-9 लोग का टीम है वहां पे, उनमें करीबन 2-3 कुक है. तो खाना का जो है वहां पर पूरा संधि अपना पूरा इंडियन खाना मिलता है. जो अपना हॉस्टल का ये फोटो आपके पास सामने है, हर एक रूम में एसी होता है, हर एक रूम में हर एक बच्चे को सेपरेट टेबल, चेयर, कपबोर्ड, सब कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी. कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची शाम को, रात को 10 बजे बाद या सुबह 6 बजे से पहले हॉस्टल से बाहर नहीं जाएंगे. तो हम लोग एज अ फैमिली, एज अ गार्डियन, एज अ पालक पूरा ध्यान करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं बच्चों को कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाकी सब जो भी आपको सपोर्ट चाहिए वो सब हम देंगे आपको. अपनी कॉलेज इज बीन अप्रूव्ड बाय MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, टॉप 3 इन द फिलीपींस. ये सब आप चेक कर सकते हो, दिस ऑल अवेलेबल ऑन गूगल. अभी बात करते हैं कि बच्चे को, जो बच्चा पढ़ता है कि मैं फिलीपींस पढ़ने क्यों जाऊं, तो भारत में और फिलीपींस में फर्क क्या है. तो फर्क सिर्फ दो तीन चीज मेजर है, बाकी कुछ फर्क नहीं है. सेम टाइम ड्यूरेशन है, यहाँ का पढ़ाई जो है 4.5 साल का है प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप. सबसे इम्पोर्टेंट फर्क है आपका फीस स्ट्रक्चर का. यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ेगा तो हमने जब बताया कि आपका फीस जाएगा पूरा MBBS का करीबन 60-70 लाख से लेकर करीबन 1.5 करोड़ तक. जबकि यहाँ पे फिलीपींस में जो अपना कॉलेज है उसका फीस है पूरे MBBS का 4.5 साल का सिर्फ 14-15 लाख रुपए, और ये भी आपको भरना है हर 6 महीने. कॉलेज का फीस है सिर्फ 15 लाख रुपए फॉर एंटर MBBS, ये भी आपको भरना है हर 6 महीने ऑनलाइन बाय चेक और बाय ऑनलाइन ट्रांसफर. बाकी का खर्चा है खाना पीने खर्चा, वो सेम लाइक इंडिया. भारत का जो करेंसी है रुपया और जो वहां का करेंसी है पैसो, दोनों में बहुत अंतर नहीं है. 1 पैसो इज इक्वल टू 1.5 रुपीज. तो वहां का फूड और लिविंग एक्सपेंस भारत के जैसा ही है. वहां की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में है, वहां का पूरा जो आपको मिलेगा एक्सपोजर इंग्लिश में है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो आती है कि जो बच्चा इंडिया में पढ़ेगा वो बच्चे को इंटर्नशिप इंडिया में ही करनी पड़ेगी.
वाइल अपने पास ऑप्शन है फिलीपींस में कि अगर बच्चे को वहां पढ़ेगा तो ही कैन डू इंटर्नशिप आइदर इन इंडिया और इन यूएसए और इन फिलीपींस और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो अगर कोई बच्चे को है उनके दिमाग में कि नहीं मुझे आगे जाके आई वॉन्ट टू डू माई मास्टर्स इन अमेरिका और यूके और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, तो बच्चा सीधा वहीं जा सकता है। तो उनका समय और उनका पैसा दोनों का सेविंग हो सकता है। एंड सबसे लास्ट बात कि अगर कोई बच्चा यहाँ करेगा एमबीबीएस करेगा इंडिया में एनी प्राइवेट कॉलेज और डीम कॉलेज में, तो आपका खर्चा करीबन 1 से 1.5 करोड़ तक आएगा सब मिला के, ऑफिस खाना पीना रहना पढ़ाई, जबकि टोटल खर्चा आएगा फिलीपींस में करीबन 25-26 लाख तक खर्चा आपका जाएगा। ये सब आपको करना है हर 6 महीने। और इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि एक खर्चा है, बच्चा जब बाहर पढ़ने जाएगा तो उसको एक्सपोजर मिलेगा, उनको पूरा वर्ल्ड का मालूम पड़ेगा। अपनी कॉलेज में करीबन 8 से 10 कंट्री के बच्चे पढ़ने आते हैं, इंडियन है, फिलीपींस है, फ्रॉम दे आर स्टूडेंट्स फ्रॉम वी आर फ्रॉम साउथ कोरिया है, फ्रॉम हांगकॉन्ग है, ताइवान है, मलेशिया है, तो उनका एक्सपोजर बढ़ेगा। क्योंकि आज की तारीख में आपका एक्सपोजर जितना स्ट्रांग होता है उतना अच्छा आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटी। तो ये बात करते हैं हमने पूरे फिलीपींस की। अभी मैं आपको सेम बात करूंगा वेरी ब्रीफ में अबाउट जॉर्जिया, जो अपना सेकंड कॉलेज ऑप्शन अवेलेबल है। जॉर्जिया भारत के नॉर्थ वेस्ट में आया। जॉर्जिया कंट्री इज नाउ पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री। वहां का जो कॉलेज अपना है उसका नाम है एसयू कॉलेज ऑफ मेडिकल। एसयू कॉलेज वहां का जो मेन कैपिटल सिटी है, वहां सेंटर में अपना कॉलेज है। एसयू कॉलेज इज अ टॉप 5 एंटायर कैंपस इन द होल कंट्री एंड यूरोप। गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज है, अप्रूव्ड बाय एमसीआई और डब्ल्यूएचओ और फेमा। बात करते हैं कॉलेज की, तो करीबन वहां पे 5 साल का एमबीबीएस कोर्स है एंड 1 ईयर इंटर्नशिप। सेम थिंग लाइक इन जॉर्जिया एज वेल, कि बच्चे को इंटर्नशिप के पास ऑप्शन आपके पास है। अगर बच्चा जहां भी करना है इंटर्नशिप, भारत में करना है, जॉर्जिया करना है, यूरोप में करना है, तो बच्चा कर सकता है। अपनी कॉलेज का कैंपस बहुत ही बढ़िया कैंपस है, वेरी वेरी हाईटेक कैंपस। करीबन 85,000 स्क्वायर मीटर का अपना पूरा कैंपस एरिया है। करीबन 21 एकड़ का अपना वर्टिकल कैंपस है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो जॉर्जिया है, इट इज अ थर्ड सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे सेफ कंट्री है ये। अपना कॉलेज का बिल्डिंग आपके सामने देख रहे हो, एसयू बिल्डिंग। वी आर हार्ट ऑफ सिटी, जो मेन सिटी है उसके सेंटर में अपना कॉलेज है। ये अपना कॉलेज का एंट्रेंस है, मतलब कॉलेज का मेन सेंट्रल एट्रियम है। एकदम हाईटेक कॉलेज है, वेरी वेरी हाई एंड। अपने बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे, वहां के इस तरह के क्लासरूम्स है। वहां का पढ़ाई का जो पूरा है माध्यम, सेम लाइक फिलीपींस, बच्चे सब पढ़ेंगे, दे विल स्टडी इन इंग्लिश लैंग्वेज। एकदम हाईटेक लेबोरेटरी वहां पे आपको कल्चर मिलेगा सेम लाइक यूरोपियन। वहां बच्चे पढ़ने आते हैं, फ्रॉम जॉर्जिया से आते हैं, वी हैव स्टडी स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, फ्रॉम फ्रांस, जर्मनी, इटली। एकदम हाईटेक लेबोरेटरी अपने पास, क्योंकि आजकल के जो है नया ट्रेंड आया है पूरे मेडिकल में, वो आपको पूरा आपका ट्रेनिंग होना चाहिए ऑन द हाईटेक कंप्यूटराइज विथ AR, विथ VR एंड हाईटेक रोबोट्स। तो ये पूरा आपको एक्सपोजर मिलता है अपनी कॉलेज में। यहाँ पे अपनी कॉलेज साथ हमने करीबन 8 big हॉस्पिटल्स। तो बच्चों को वहां पे थर्ड या फोर्थ ईयर में दे आर गेटिंग द ग्रेट एक्सपोजर ऑफ द एजुकेशन। कॉलेज इज बीन अप्रूव्ड बाय द MCI, सेम लाइक फिलीपींस। यहाँ पर भी अपना खुद का हॉस्टल है, अपना खुद का कुक है, अपना खुद का सिस्टम है, अपना खुद का पूरा टीम अवेलेबल है। तो बच्चों को सिर्फ वहां जाके फोकस करना है पढ़ाई के लिए, बाकी जो भी सपोर्ट चाहिए, खाना पीना रहना सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ मेरी टीम वहां पे करती है। अभी फर्क क्या है इंडिया में और जॉर्जिया में, सेम लाइक फिलीपींस, सिर्फ 3-4 चीज फर्क है, बाकी सब सेम है। जो आपका टाइम पढ़ाई का है, पढ़ाई का टाइम सेम है। फी स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेज, आपका एजुकेशन जो फीस है
यहाँ पे फीस आपका जाएगा करीबन 19 से 20 लाख जाएगा टोटल एमबीबीएस का चार साल पांच साल का कोर्स। वंस अगेन ये जो फीस है आपको एक साथ नहीं भरनी है, हर छह महीने में भरनी है। सो टोटल आपका जो एस्टिमेट जाएगा टू स्टडी इन दिस कंट्री जॉर्जिया एंटर एमबीबीएस वो जाएगा करीबन 30 से 31 लाख रुपए। वो वहां पे आपका पूरा जो जो पढ़ाई का कोर्स आ जाएगा पांच साल का। उसके बाद आपका होता है वन ईयर इंटर्नशिप। ये इंटर्नशिप आप कहीं भी कर सकते हो, इंडिया में करोगे, जॉर्जिया करोगे या फिर कहीं और कंट्री में जहां पे काम करना है वो। तो इस तरह का अपना दो कॉलेज ऑप्शन है जो हम काम करते हैं। इस बार इस साल 2021 में ऑलरेडी हमारा करीबन 180 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन हो चुका है एंड उनमें से करीबन सब बच्चे दे आर फ्लाइंग टू जॉर्जिया बाय एंड ऑफ दिस ईयर। तो अपना बहुत स्ट्रॉन्ग काम चल रहा है। जैसे मैंने बताया आपको कि आत्मीय एजुकेशन जो हम काम करते हैं वो वी आर नॉट लाइक एजेंट और ब्रोकर। हम लोग कोई एजेंट या ब्रोकर नहीं, हम लोग काम करते हैं सब पालक। बच्चा अपने पास आ गया तो उनका पांच साल का जो भी कुछ उनको सपोर्ट चाहिए, खाना पीना पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम, वी आर ग्रीविंग द कल्चर ऑफ फैमिली। वो उसका पढ़ाई का हम लोग काम करते हैं उनके साथ में बैठ के। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन में है वो अपने पिछले तीन साल का एवरेज जो बच्चे जो यहाँ पे एग्जाम देखे पास होते हैं एमसीए की एग्जाम 80-90% स्टूडेंट्स आर पासिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट। दिस इज अमेजिंग अमेजिंग ग्रेट थिंग्स फ्रॉम अस। क्योंकि सब क्या है कि हम लोग हमारे पास ऐसा कल्चर है अपने कॉलेज हॉस्टल में, हम लोग बच्चे को बोलते हैं कि वी आर लाइक फैमिली, आप सब एक दूसरे को सपोर्ट करो, हेल्प। हेलो 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 सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है आवाज। आ रही है, आ रही है। हाँ, मुझे लगा शायद आवाज नहीं आ रही इसलिए। आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओके ओके सर। यस, तो सर मैंने ये बता रहा था कि हम बच्चे को ये बता रहे हैं कि अपने पास भारत में करीबन 7 लाख बच्चे पास होते हैं और अपने पास सीट है करीबन 1 लाख, तो बाकी 6 लाख बच्चों को जिसको भी एमबीबीएस करना है वो नीट रिपीट देते हैं एक बार दो बार तीन बार, और वो अपनी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट समय वो लोग वहाँ पे स्पेंड करते हैं। और जनरली हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है जो भी बच्चा नीट रिपीट करता है तो उनका मार्क्स में जो होता है फर्क वो मैक्सिमम 20% होता है प्लस माइनस। इन एक्सट्रीम केस करीबन एक 1 in 1000 दे आर गेटिंग एक्सट्रीमली गुड मार्क्स, अदरवाइज उनका मार्क्स में करीबन 20-22% से ज्यादा बहुत अंतर नहीं आता। दिस इज द ओवरऑल स्टडी। तो हमारा एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों को कि जिसको भी एमबीबीएस करना है, जिसको भी आगे पढ़ना है, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है और भारत को हमारी कंट्री को बहुत से डॉक्टर्स की जरूरत है। तो आप ऐसा जो कॉलेज को आप फाइंड करिए वहां पे आप पढ़े कि जहां पे आपको अच्छी पढ़ाई, अच्छा एजुकेशन, अच्छा एक्सपोजर, अच्छा एनवायरमेंट आपको मिल पाए। सो दिस इज माय पॉइंट टू शेयर विथ यू। थैंक यू वेरी मच सर। और अगर किसी को भी कुछ पॉइंट क्वेश्चंस है तो आई एम हियर टू गिव आंसर्स। नक्कीस नक्कीस। थैंक यू सर।
कोणाला जर काही प्रश्न विचार असेल तर हँड रेज करा चॅट बॉक्स मधून. मिस प्राज्वल वाघ. प्राज्वल वाघ हाँ जी आप वी हैव ओनली वन हैंड रेड. सुशांत सुशांत शिंदे हाँ बोलिए सुशांत जी आप आपका अनम्यूट कीजिए और जो सवाल पूछिए आपको स्वतः अनम्यूट करा. सुशांत शिंदे हाँ सुशांत शिंदे काय प्रश्न आहे आवाज येत नाही आहे. हॅलो हेलो सर माझा आवाज येतोय. हेलो हाँ जी आ रही है. हाँ सर मैं कुछ सवाल पूछूंगा कि जो कॉमन सवाल जो है कि जो पेरेंट के मन में रहते हैं कि MBBS प्रवेश के बारे में जी सर. तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सर अगर किसी को महाराष्ट्र में या इंडिया में एडमिशन लेना है तो जो स्कोर है नीट का तो अच्छा आना चाहिए. अगर किसी को फिलीपाइंस या जॉर्जिया में MBBS करना है तो इसके लिए कितने मार्क्स आवश्यक होते हैं. सर जिसको बच्चे को MBBS करना है तो सबसे पहले वो बच्चे को नीट पास करना पड़ेगा मतलब कि दे हैव टू एलिजिबल नीट. तो इस साल आपके नीट का एलिजिबिलिटी स्कोर है 138 फॉर ओपन कैटेगरी और 108 स्कोर है आपके कैटेगरी में. तो जो भी बच्चे ने 108 या 138 स्कोर पास किया है वो लोग MBBS में एडमिशन फिलीपींस में और जॉर्जिया में ले सकते हैं. Yes, यानी कि किसी को भी इस साल MBBS में एडमिशन लेना है तो बहुत सारे म्हणजे बरेच सर विद्यार्थी काय करतात की नीट मध्ये रिपीट करतात की आपल्याला कमी गुण मिळाले म्हणून. परंतु ज्या विद्यार्थ्यांना मिनिमम स्कोर त्यांनी क्रायटेरिया क्वालिफाय केलेला आहे तर त्या विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी ऍडमिशन मिळतं. मेरा दुसरा सवाल सर आपसे ये है की अगर फिलिपाईन्स में या जॉर्जिया में हमें एडमिशन लेना है तो पूरा जो कोर्स है तो 4.5 ईयर का है और उसके बाद 1 ईयर इंटर्नशिप का में भी इसमें तो पूरा खर्चा फिलीपींस में कितना आता है सर. सर जो आपका पूरा कोर्स फिलीपींस में है वहां की पूरी पढ़ाई की है आपकी करीबन 4.5 साल की. तो आपकी पूरी जो पूरी पढ़ाई 4.5 साल की है तो वहां का टोटल आपका फीस है कॉलेज की फीस है वो करीबन 15 लाख रुपए फीस है. पूरे 4.5 साल की फीस है आपकी 15 लाख रुपए. और उसमें आप और ऐड करोगे आपका खाने का खर्चा रहने का खर्चा वहाँ पे जहाँ पे अपनी खुद की हॉस्टल है हर एक रूम में AC है हर एक रूम में वाईफाई है पानी है सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ है. तो आपका खाने पीने का खर्चा आएगा करीबन हर एक महीने का करीबन 15,000 रुपये. तो आपके 4.5 साल का खर्चा होगा खाना पीना रहना सेफ्टी सिक्योरिटी का करीबन 7 से 7.25 लाख रुपये. और इसमें आप और ऐड करोगे लाइक वहाँ की गवर्नमेंट फीस है वहाँ का वन टाइम टिकट है वन टाइम वीजा है. तो फिलीपींस में पूरे पढ़ने के लिए 4.5 साल का आपको करीबन एस्टिमेट जाएगा 26-27 लाख रुपए का एस्टिमेट आपको हो जाएगा. यस सर. इसके बाद आपका आता है 1 ईयर इंटर्नशिप. वो आपके पास ऑप्शन है कि आप वो आपका कहाँ करते हो भारत में या फिलीपींस में. यस सर. अगर कोई भी बच्चा फिलीपींस या जॉर्जिया में MBBS पूरा करता है तो इसके बाद उसको जब भारत में आकर प्रैक्टिस करनी हो तो उसको कौन सी एग्जाम देनी पड़ती है और उसके बारे में आत्मीय एजुकेशन जो है तो बहुत सारी प्रैक्टिस करके भी लेती है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर. जी सर अभी जो भी बच्चा भारत के बाहर से पढ़ के आता है फिलीपींस या कोई भी कंट्री भारत के बाहर से तो आज की तारीख में उनको एग्जाम देनी पड़ती है. उसका नाम है MCI-FMGE फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन. उसका नाम वो कंडक्ट करती है MCI. तो बच्चों को पास करनी पड़ती है. और अभी एक गवर्नमेंट ने नया एक्ट लाया है 2019 में उसका नाम है NMC एक्ट नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट. वो एक्ट के मुताबिक 2023 के बाद
कोई भी बच्चा इंडिया से एमबीबीएस करेगा तो उसको वो नेक्स्ट की एग्जाम देनी पड़ेगी, नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट। जैसे अपनी एग्जाम होती है नीट, नीट एग्जाम इज फॉर एंट्रेंस इन एमबीबीएस कोर्स के लिए। नेक्स्ट की एग्जाम है जब एमबीबीएस करने के बाद आप भारत में आपको काम करना है, भारत में आपको जॉब करना है या फिर कहीं भी और काम करना है, यू वांट टू ओपन योर ओन हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट जॉब करना है, तो भी आपको नेक्स्ट की एग्जाम देनी पड़ेगी। तो हम आत्मी एजुकेशन नेक्स्ट की एग्जाम का जो कोचिंग है वो सब हम दे वो सब हम करवाएंगे। अपना खुद का नेक्स्ट का पोर्टल है, वो कोचिंग हम सब करवाएंगे। yes, सर फिलीपींस या जॉर्जिया में एमबीबीएस पूरा करने के बाद भारत में करियर की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी बच्चों को है? सर जब बच्चे ने ये भारत में आके नेक्स्ट ही एग्जाम पास कर दी और जब भी बच्चे के पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आ गया कि यस दे आर द वेरी लीगल सर्टिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल, तो उसके बाद बच्चा भारत में कुछ भी कर सकता है। मतलब कि बच्चे के पास ऑप्शन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है टू स्टार्ट हिज ओन हॉस्पिटल, या फिर उनको भारत में आके कुछ और पढ़ना है, दे वांट टू देयर पीजी मास्टर्स करना है यहाँ पे, एमएस करना है, एमडी करना है, तो भी कर सकता है। या भी कोई बच्चे को कुछ जॉब करनी है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट इन 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 स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जाम आती है वो भी वो सब बच्चे दे सकते हैं। तो बच्चा यहाँ आने के बाद नेक्स्ट के बाद दे कैन डू एवरीथिंग इन इंडिया। यस सर, आत्मी एजुकेशन ऐसी एकमात्र कंपनी है कि जिसके खुद के हॉस्टल अवेलेबल है, तो बच्चों के लिए सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है क्योंकि आपकी जो कंपनी है इस कंपनी में पूरे तरफ से हम देखिए देखा जाए तो बारामती दौंड इंदापुर महाराष्ट्र के हर को से बच्चे आते हैं, तो खुद की यहाँ पर आपकी हॉस्टल है, तो इसके बारे में सर क्या कहेंगे सर? ये सर सबसे सबसे पहले क्वेश्चन आता है फॉर ऑल स्टूडेंट्स और ऑल पेरेंट्स के बारे में कि बच्चा बाहर पढ़ने जाएगा तो कहाँ पे रहेगा। सेकंड क्वेश्चन आता है कि बच्चे का खाने का क्या, बच्चे का सेफ्टी सिक्योरिटी का, क्योंकि हम लोग हैं इंडिया में महाराष्ट्र में बारामती में या फिर अकलूज में या फिर पूना में, हमारा बच्चा पढ़ेगा कोई और कंट्री में तो उसका क्या। तो यही हम काम करते हैं आत्मीय एजुकेशन की, हमने दोनों जगह पे फिलीपींस में और जॉर्जिया में दोनों जगह में हमारा खुद का हॉस्टल बिल्डिंग्स है, हमारा खुद का वहां पे सेटअप है। सपोज कि आज की तारीख में फिलीपींस में अपने पास करीबन 1500 बच्चों का सेटअप है अपना, 1500 बच्चों के वहां वह रहे खाना खाने के लिए अपना पूरा सेटअप है। और हमारे हर एक हॉस्टल में वी हैव अवर ओन स्टाफ। आज फिलीपींस में हमारा करीबन 8 से 9 लोग है, उसमें से करीबन 2 से 3 कुक है, तो खाने का भी हम लोग इंडियन खाना ही वहां मिलता है। और कोई भी बच्चा रात को 10 के बाद या सुबह 6 से पहले हॉस्टल से बाहर नहीं जाएगा तो उसका सेफ्टी सिक्योरिटी भी हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं, जैसे कि बच्चे का पूरा जैसे दे आर इन अ फैमिली। यस सर, एक लास्ट सवाल मैं पूछता हूँ, उसके बाद बहुत सारे हैंड भी राइज हो गए हैं कि अगर हम फिलीपींस में और जॉर्जिया में एमबीबीएस पढ़ते हैं तो वहां पे जाकर हमें कौन से अलग लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है क्या? नहीं सर, फिलीपींस और जॉर्जिया में आपको कोई और लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी पढ़ाई सिर्फ इंग्लिश में ही होगी क्योंकि वहाँ के सब लोग इंग्लिश बोलते हैं। और नंबर टू कि अपनी जो कॉलेजेस है वो आपकी सिटी के सेंटर में है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का बाकी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, बाकी कोई लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। यस सर, अजून काही कोणाला प्रश्न असतील तर आपण विचारू शकता। रवी तुमचा त्या ठिकाणी हात, रवी सर त्या ठिकाणी काय प्रश्न आहे तुमचा विचारा सर, स्वतःला अनम्यूट करा आणि विचारा। हॅलो सर, इज देयर एनी स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर एनी स्टुडंट लाइक? यस सर, यस सर, वी हैव स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स बेस्ड अपॉन देयर स्कोर इन द कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल कि जो भी बच्चे ने वहां पे लिया एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से जो भी बच्चे टॉप 20 में आते हैं कॉलेज में तो उन सब बच्चों को वी आर गिविंग स्कॉलरशिप फॉर द फीस में। सपोज कि जो बच्चे ने टॉप 3 किया तो उनको उनके अगले साल की जो कॉलेज की फी फ्री होती, माफ होती है। ऐसे वी आर गिविंग गिवन बाय यू और कॉलेज? गिवन बाय कॉलेज। ओके ओके। एंड सर अनदर थिंग, एनी हैंडीकैप पर्सन इज देयर सम case like
So, is there any special facility for that? Yes, sir. अभी क्या कि देखो पूरे भारत के बाहर जो भी colleges हैं अभी these all buildings are planned designed for the handicapped people as well. तो उनका जो जो पूरा travel जो है उनका होता है we have the ramps available, we have the available for lifts. तो उनको there is no issues for us. Okay, and sir, what happened? Another thing is that I'm working in currently in Gulf, so I can go directly there, or there is no problem. My son is not there. Okay. Thank you, sir. Or sir, just to give you more answer, that जो आप Gulf में हो, तो we have so many students from Gulf coming to Georgia, क्योंकि आपसे Georgia पास में है. Yeah, I'm going to plan to visit now this year. Most like. Welcome, sir. Most बताइए sir, we are there to help you. सर हमारे पास करीबन जॉर्जिया में साल में करीबन 7 बच्चे आते हैं. दे आर इंडियन बच्चे बट दे आर फ्रॉम आइदर फ्रॉम दुबई और कुवैत और शारजा और अबू धाबी और दो कंट्रीज. आई नो एवरीथिंग अबाउट जॉर्जिया. परफेक्ट सर, परफेक्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. अजून कोणाला काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता. आत्मीय एज्युकेशन या संस्थेच्या माध्यमातून डॉक्टर नीरज कुमार शाह सर मोफत काउन्सिलिंग त्या ठिकाणी दिलं जातं. पुण्यामध्ये सरांचं बोट क्लब त्या ठिकाणी ऑफिस आहे. विचारा जयदीप सर, विचारा. शाह सर गुड इव्हनिंग. यस यस गुड इव्हनिंग सर. सबसे पहले तो सर आप जिस तरीके से आत्मीय एजुकेशन इंस्टीट्यूट से काम कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं सर. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. क्योंकि एज अ फादर 10th के बाद या 11th 12th के बाद बच्चों के करियर के बारे में जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं या सीट्स की अवेलेबिलिटी की वजह से काफी टाइम हम लोग एडमिशन खो देते हैं. बहुत सही बात है. तो उसके लिए जो फेस करना पड़ता है उसका दुख मेरे ख्याल से सब पेरेंट्स जानते हैं. जी सर. आपका एक काम बढ़िया हो रहा है, आपका पेनिट्रेशन रूरल एरिया लाइक बारामती और अकलूज तक आ रहा है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ. थैंक यू सर. तो इसके साथ मेरे दो सवाल है सर. सर कि MBBS के बाद आप जो हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, उसी तरीके से हेल्प आप PG के लिए करते हैं क्या सर, आफ्टर MBBS और आफ्टर BDS? यस सर. सर हम लोग MBBS करते हैं, हम लोग BDS नहीं करते, हम लोग MBBS करते हैं. और सर क्या है कि देखो मैं बताना भूल गया. यस, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा कि अगर कोई बच्चे को PG करना है फॉर एग्जाम्पल भारत में, तो एज पर जो भारत का नया एक्ट आया है NMC एक्ट 2019, ओके, उसके मुताबिक सभी बच्चे को एग्जाम देनी पड़ेगी नेक्स्ट की NEXT. ओके, ये एग्जाम विल गोइंग टू रिप्लेस द एग्जाम कॉल्ड NEET PG. आज की तारीख में भारत में किसी बच्चे को भारत में PG करना है तो उनको NEET PG देनी पड़ेगी. बराबर है सर. तो 2023 के बाद वो एग्जाम बंद होने वाली है और आपका नेक्स्ट का स्कोर के ऊपर ही आपको PG में एडमिशन मिलेगा. राइट सर. और उसका जो कोचिंग है नेक्स्ट कोचिंग वो हम 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 वी आर हेल्पिंग फॉर स्टूडेंट्स फॉर नेक्स्ट कोचिंग. दिस इज पॉइंट नंबर वन इन इंडिया. और अगर किसी बच्चे को भारत के बाहर पढ़ना है लाइक अमेरिका में, ऑल्सो गिव कोचिंग फॉर USMLE. ओके. एंड अगर किसी बच्चे को पढ़ना है इंग्लैंड में तो वी ऑल्सो गिव कोचिंग फॉर क्लैब. ओके ओके. तो सर वी वर्क लाइक अ गार्डियन टिल स्टूडेंट डोंट वांट टू बिकम डॉक्टर. ग्रेट ग्रेट. मतलब आफ्टर MBBS आप PG अगर इंडिया में पढ़ना है या अब्रॉड करना है तो इन बोथ केसेस यू हेल्प द स्टूडेंट्स एंड यू प्रोवाइड द कोचिंग्स. यस सर, वी हेल्प एंड गाइड स्टूडेंट्स सर. गुड सर, गुड. और मेरा दूसरा एक छोटा क्वेश्चन है कि जैसे आपने फिलीपींस के कॉलेज के बारे में बताया, जी सर, तो यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र कल्चर से जनरली जब लड़कियां बाहर जाती है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट इन मेट्रोज ओनली. जी सर. तो अगर वो अब्रॉड जाती है तो फिलीपींस लड़कियों के लिए कितना सेफ है और सोशली कैसा है वहाँ पे सर एटमोसफेयर? सर आपका सवाल बहुत ही सेंसिटिव है, मैं उसका जवाब एक ही लाइन में दूंगा फिर और लंबा दूंगा. सर मैंने मेरे भाई की बेटी वहां भेजी है, नाउ सीजन 4th ईयर. ओके सर. ओके ग्रेट. ओके बट आई विल गिव आंसर मोर इन डिटेल. सर हर साल अपने महाराष्ट्र से करीबन 100 से ज्यादा बच्चियां जा रही है. ओके. अपने पास ही फिलीपींस में अपना सेपरेट हॉस्टल है बॉयज और गर्ल्स का. ओके. तो मैंने बताया कि अपने पास करीबन 7 से 8 लोग का हमारा टीम है वहां पे. ओके. इनमें से 2 और 3 आर लेडीज. तो और सबसे ये बच्चे जब जा रहे हैं तो ये बच्चों का एज बहुत बहुत दे आर वेरी 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 वेरी
वेरी ऑड एग्स, दे आर नॉट वो बहुत स्मॉल भी नहीं है, वो बिग भी नहीं है. हां, टिपिकल टीनेज होता है सर. हां, टीनेजर में तो उनका देव देव सो मेनी इश्यूज, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल. राइट सर, राइट सर. वो सब बेसिकली गर्ल्स में भी देव देव ओन वे ऑफ हैंडलिंग द इश्यूज. तो हमारा खुद का वहां पे स्टाफ है, वी वर्क एज अ फैमिली. ओके सर. और वो सब स्टाफ दे आर स्टेइंग इन हॉस्टल. तो आपको कुछ भी हेल्प चाहिए रात को 2 बजे भी, जस्ट गो एंड नॉक द डोर ऑफ अ गार्डियन. ओके, सब हेल्प वहां मिलेगी. ओके सर. ओके ओके, थैंक यू सर. थैंक यू दिलीप सिंह. यस, आशुतोष सर, तुमचा काय प्रश्न आहे? आशुतोष सर, सुजित कुमार सर, कुणाचे काय प्रश्न आहेत का? सर, आपण एक छोटासा व्हिडिओ दाखवू शकतो इथे. हां सर, एक मी छोटा व्हिडिओ बघतो. यस, जस्ट गिव मी अ मिनिट. प्रणव म्हणून कोण प्रश्न आहे का? प्रणव, छोटासा व्हिडिओ आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतो इथे. डॉक्टर होण्याचे स्वप्न आहे पण नीट परीक्षेत अपेक्षित गुण नाहीत, निराश होऊ नका. आता डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नांची परिपूर्ती होईल आपल्या आत्मीय एज्युकेशनच्या माध्यमातून. तेही जॉर्जिया आणि फिलिपाइन्स या सारख्या वैद्यकीय क्षेत्रात अग्रगण्य असणाऱ्या नामवंत देशात. आज तगायत 4,000 पेक्षाही जास्त विद्यार्थ्यांचे. नहीं दिख रहा है सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है. एक मिनट सर. हाँ यस सर, या फिलिपाइंस कॉलेज का भी रहेगा तो भी चलेगा. डॉक्टर होण्याचे स्वप्न आहे पण नाही दिख रहा सर. ओके, हाँ सर, अब आ रही वीडियो? नहीं सर, वीडियो नहीं दिख रहा है. नहीं, नहीं दिख रहा सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डिलाइटेड टू वेलकम यू टू द सेबू सिटी फिलीपींस बाय आत्मीय एजुकेशन. Cebu is a province of the Philippines located in the central Visayas. It's the largest island in the Visayas region and it's particularly rich. कुछ इश्यू आ रहा है यहाँ शेयरिंग में? Yes sir. आत्मीय एजुकेशन हे जे फेसबुक पेज आहे, फेसबुक वरती पेज वरती सुद्धा व्हिडिओ उपलब्ध आहे, तिथे सुद्धा तुम्ही पाहू शकता. आत्मीय एज्युकेशन पुणे या संस्थेच्या माध्यमातून डॉक्टर नीरज कुमार शाह सरांचं पुणे या ठिकाणी ऑफिस आहे, बोट क्लब रोड त्या ठिकाणी ऑफिस आहे, तिथे सुद्धा तुम्ही व्हिजिट करू शकता. सरांचा ऍड्रेस डिटेल सुद्धा त्या ठिकाणी तुम्हाला मिळणार आहे. तर ही जी लिंक तुम्हाला या ठिकाणी मिळते, तर त्या लिंक वरती तुम्ही तुमची माहिती भरू शकता. तुम्हाला मोफत काउन्सिलिंग जे आहे या माध्यमातून केलं जाईल. आत्मीय एज्युकेशन पुणे या फेसबुक पेजला सुद्धा नक्की सबस्क्राईब करा. काही जर प्रश्न असतील तर ते प्रश्नांची उत्तरं सुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी दिली जातील. तर जर आपण पाहिलं तर आत्मीय एज्युकेशन ही जी संस्था आहे, या संस्थेच्या माध्यमातून डॉक्टर नीरज कुमार शाह सर यांनी केलेलं मार्गदर्शन आपल्याला खूप महत्वाचं होतं. कारण जर आपण प्रायव्हेट कॉलेजचा जर विचार केला तर तिथे असणारी फीज जर आपण बघितली तर 1 crore आसपास त्या ठिकाणी जातात. परंतु सर्वसामान्य कुटुंबातील आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील एखाद्या विद्यार्थ्याला जर MBBS पूर्ण करायचं असेल तर त्यासाठी फिलिपाईन सारखा पर्याय सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीचा आहे. फी जी द्यायची ती सुद्धा टप्प्याटप्प्यानं इन्स्टॉलेशन मध्ये तुम्हाला द्यायची आहे.
त्यामध्ये सुद्धा आत्मीय एज्युकेशन या संस्थेकडून खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला मदत केली जाते आणि पूर्णपणे कॉलेजच्या अकाउंट वरती आणि आत्मीय एज्युकेशन असं जरी तुम्ही सर्च केलं तर या संस्थेबद्दल या संस्थेच्या बद्दलची सगळं माहिती तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळणार आहे. अतिशय ट्रान्सपरंट पद्धतीनं ही संस्था कार्यरत आहे. गेली 2012 पासून सर या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत आणि सरांनी केलेलं मार्गदर्शन जे आहे ते खूप बहुमूल्य आपल्या सर्वांसाठी आहे. अजून जरी काही कोणाला प्रश्न असतील तरी आपण विचारू शकता. ऑफिसचा जो पत्ता आहे तो 402 सिटी पॉइंट रोड जो आहे तर त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. तर त्या पत्त्याविषयी सुद्धा 402 सिटी पॉइंट 17 बोट क्लब रोड अपोजिट रुबी हॉल क्लिनिक पुणे हा त्या ठिकाणी पत्ता आहे आत्मीय एज्युकेशन पुणे या ऑफिसचा. त्या ठिकाणी मोफत काउन्सिलिंग विद्यार्थ्यांसाठी केलं जातं तर ते तुम्हाला सुद्धा मिळणार आहे. पत्ता पुन्हा एकदा सांगतो 402 सिटी पॉइंट 17 बोट क्लब रोड अपोजिट रुबी हॉल क्लिनिक रोड पुणे. धन्यवाद सर. ऐकू येते? हा सर. हा आशुतोष काही प्रश्न आहेत का? असेल तर स्वतःला अनम्यूट करा. प्रणव आय थिंक दे हॅव जस्ट लेफ्ट. एक और आया. रवि जी आशुतोष हेलो. हेलो बोला. हाँ सर मेरा एक प्रश्न था आपसे. जी सर. मैं नेट में क्वालिफाई नहीं कर पाया. ओके. लेकिन मुझे MBBS के लिए एडमिशन लेना है. ओके. हाँ पर मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया. ओपन कैटेगरी का हूँ. ओके. आशुतोष आप क्या करो कि देखो MBBS के लिए नीट का पास होना तो है जरूरी है. बट आप क्या करो कि एक बार आप पूना ऑफिस आ जाइए. हाँ. और हम आपके साथ बैठ के आपसे पूरा बात समझ लेंगे कि आपने पास क्यों नहीं कर पाए, क्या क्या ऑप्शन है अपने पास. हाँ. आप पूना ऑफिस आएंगे तो मैं आपको पूरा ब्रीफ कर दूंगा कि क्या ऑप्शन है. सर, मेरा 1 तारीख को पेपर भी है. मैं आने वाला हूँ पूना को. आइए. टाइम कितना है? लेकिन मैं 10-15 दिन के बाद आने वाला हूँ. चलेगा ना? तो आप हाँ तो भी चलेगा लेकिन आप उसके पहले आ जाओगे तो आपके पास ऑप्शंस और हो जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्या ऑप्शंस हैं. क्या है मेरे हमारे यहाँ से 500 किलोमीटर पुना पड़ता है. तो आप कहाँ से बात करते हो? हाँ मैं इधर सांगली से. सांगली से. ओके. हाँ. तो आपसे क्या करो मुझे क्या करो कि मुझे आपका फोन नंबर दीजिए तो मेरे जो मेरा असिस्टेंट है वो आपको कल फोन करेंगे और हम क्या करेंगे कि वी कैन हैव अ जूम कॉल 1-to-1 और हम आपसे बात करेंगे. वी विल फाइंड ऑप्शन. हाँ ठीक है सर. ले लो मेरा नंबर. हाँ जी. 93. हाँ जी. 59. जी. 73. जी. 96. जी. 38. ओके. यही मेरा प्रश्न था. मेरे को अनम्यूट होना पड़ा फिर. ना कोई इश्यू नहीं है. हम आपका जो भी कुछ हम आपसे कल परसों बात करेंगे आपके फोन के ऊपर और जो जरूरत पड़ी तो आई विल आस्क माय कलीग माय असिस्टेंट टू हैव अ ज़ूम कॉल विद यू तो आपका जो भी क्वेश्चंस है वो बात करेंगे 1-to-1. थैंक यू. और अपने पास बहुत सारे बच्चे हैं आपके एरिया से ही हैं. सांगली से है, कोल्हापुर से है, फिर निपानी से हैं. बहुत सारे बच्चे हैं. मैं सांगली के नजदीक यहां सांगोला एक तालुका है वहां रहता हूं. जी सर. हां कोई इशू नहीं. ठीक है सर. आशुतोष तिथे लिंक जी दिलेली आहे गुगलची लिंक त्याच्यावरती सुद्धा तुम्ही नाव नोंदणी करा म्हणजे तुम्हाला अजून मार्गदर्शन त्या ठिकाणी मिळेल. चालेल. नेक्स्ट अजून कोणाचा प्रश्न आहे? रवी सर. रवी तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करा आणि विचारा वाटल्यास. रवी स्वतःला अनम्यूट करा. रवी प्रणव तू रवी सर प्रणव सर तुमचे काय प्रश्न आहेत का? सर हम जब MBBS कंप्लीट करके आते हैं वापस हमारे देश में. जी सर. तब हम वो जो क्वालिफाई की नहीं एग्जाम होती है वो देते हैं ना. जब हम पहली बार नहीं क्वालिफाई होंगे जी तो हम क्या कर सकते हैं? जो अगर कोई पहली बार क्वालिफाई नहीं करता तो देन वी हैव ऑप्शन टू गिव सेकंड टाइम. से अपने पास वो एग्जाम देने का ऑप्शन है.
दो बार तीन बार आप दो एग्जाम और पास हो जाओ। बट सर हम आपको पूरा हेल्प करेंगे टू पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मी तो एक सांगू इच्छितो की जे विद्यार्थी आत्मीय एज्युकेशन या संस्थेच्या माध्यमातून एमबीबीएस केलेला आहे, आत्मीय एज्युकेशन या संस्थेच्या माध्यमातून जे विद्यार्थी एमबीबीएस पूर्ण करतात त्यांचा एग्जाम पास करण्याचा जो रेशो आहे तो 91% एवढा रेशो आहे। जर आपण जर पाहिलं तर जेवढे विद्यार्थी फिलिपाईन्स असेल, जॉर्जिया असेल, इथं आत्मीय एज्युकेशन या संस्थेच्या माध्यमातून एमबीबीएस पूर्ण करतात त्यांचा पास होण्याचा जो रेशो आहे तो 91% आहे। तुम्ही शिक्षक म्हणून काम करताय, जर तुम्हाला एलिजिबल व्हायचं असेल तर भारतामध्ये तुम्हाला टीईटी नावाची एक्झाम द्यावी लागते। तुम्ही प्राध्यापक म्हणून जर तुम्ही काम करताय तर तुम्हाला नेट नावाची, नॅशनल एलिजिबिलिटी ज्याला आपण नेट नावाची एक्झाम असते तर ती एक्झाम द्यावी लागते। तुम्ही एखाद्या वकीलचा कोर्स तुम्ही पूर्ण केला तर तुम्हाला बार असोसिएशनची एक्झाम त्या ठिकाणी द्यावी लागते। त्याच पद्धतीनं जर तुम्ही त्या ठिकाणी फिलिपाईन्स आणि जॉर्जिया या ठिकाणावरून जर एमबीबीएस पूर्ण केलं तर त्यासाठी प्रॅक्टिस झाल्यानंतर भारतामध्ये जर तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची असेल तर तुम्हाला स्वतःला पूर्ण करावंच लागतं। म्हणजे डॉक्टर अरुण आडसूळ सर असं त्या ठिकाणी म्हणतात की पळ काढून कसं चालेल, बळ तर लावावंच लागेल, शिफारस पत्रावरती कसं भागेल, गुणवत्ता तर सिद्ध करावीच लागेल। तुम्हाला डॉक्टर व्हायचंय, त्या ठिकाणी माणसांबरोबर त्या ठिकाणी काम करायचंय, चांगली वैद्यकीय सेवा द्यायची आहे तर स्वतःला तुम्हाला प्रूव्ह करावंच लागणार आहे। आणि सगळ्यात महत्वाचं आत्मीय एज्युकेशन या संस्थेचा तुम्ही रिझल्ट पहा, 91% या संस्थेचा निकाल आहे नेक्स्ट नावाची एक्झाम पास होण्याचा। नेक्स्ट अजून कोणाचा प्रश्न आहे आणि विचारा प्रश्न। प्रणव हॅलो सर। हा प्रणव सर, ये फिलिपाइन्स और जॉर्जिया के आपने जो कॉलेज बताए क्या वो कॉलेज एनएमसी अप्रूव्ड है? यस यस सर, ये कॉलेज दोनों अप्रूव्ड है बाय एमसीआई। यस एनएमसी। ओके थैंक यू। और सर हमें सेकेंड ईयर से प्रैक्टिस मतलब वहाँ एक्सपीरियंस करने और प्रैक्टिस करने को चांस मिल सकता है या डिग्री होने तक वैसा कुछ नहीं? देखो आपको आपको सेकेंड ईयर से आपको चांस मिलेगा टू ऑब्जर्व द केसेस, क्योंकि अभी आप पहले 4 साल पढ़ रहे हो। हाँ तो आपको पहले 4 साल प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, पहले 4 साल आपको जो पेशेंट्स है आप वहाँ वहां जाओगे, वहां देखो क्या क्या हो रहा है, आप काम नहीं कर पाओगे क्योंकि यू आर नॉट ए डॉक्टर, अभी आपके पास लाइसेंस नहीं है। बट यस आपको पूरा पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको पूरा मिलेगा फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स। ओके सर। और हमने क्या किया प्रणव जी के फिलिपाइंस और जॉर्जिया दोनों में हमने करीबन 5,000 बेड की हॉस्पिटल के साथ टैप किया हुआ है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल के साथ। तो बच्चे को वहां जाने के दे आर गोइंग देयर हॉस्पिटल्स फॉर गेटिंग द लाइव प्रैक्टिकल एक्सपोजर। ओके। और सर वहां के कॉलेज में पेशेंट फ्लो कैसा है? सॉरी फिलिपाइंस और जॉर्जिया के कॉलेज में पेशेंट फ्लो मतलब मॉडरेट है, हाई या लो? देखो फिलिपाइंस और जॉर्जिया इज नॉट लाइक इंडिया, वहां की पॉपुलेशन भारत की जैसी नहीं है तो फ्लो तो हाई नहीं है। बट इन केस ऑफ फिलिपाइंस जॉर्जिया जब कॉलेज अपनी है वहां पेशेंट फ्लो मॉडरेट है क्योंकि अपनी कॉलेज इन द हार्ट ऑफ सिटी है, जो मेन सिटी होता है ना वहां सेंटर में है। ओके तो वहां पेशेंट फ्लो एवरेज है, नॉट हाई। या और सर आपका ऑफिस का टाइमिंग क्या है? सर मेरा ऑफिस का टाइमिंग है फ्रॉम मॉर्निंग 10 to 7। ओके और अगले 2 महीने तक वी आर आल्सो ओपन ऑन संडे एज वेल। ओके सर थैंक यू। आशुतोष तुम्हाला काय विचारायचे असेल तर स्वतःला अनम्यूट करा। I think he has asked question. I think people should have said. Ashutosh, unmute kara swatala. Vicharle sir tyanni prashna, Ashutosh ne vicharla. Ha sir. Ha sir, te Pune madhe kutle ka asa Hadapsar madhe ka kutle tumcha office? Sir, apna office hai Boat Club Road ke upar. Kaun sa road? Boat Club Road. Apna office Boat Club Road. Pune Hospital. Yes sir. रुबी हॉस्पिटल जे पुण्याचं आहे त्याच्याजवळच बोट क्लब रोड जो आहे तर त्या तिथं आत्मीय एज्युकेशन या संस्थेचं ऑफिस आहे। थँक्यू सर। थँक्यू। येस सर, झाले सर सगळे।
धन्यवाद सर नीरज कुमार शाह सर आणि मनोज वाबळे सर तुम्ही अतिशय चांगल्या पद्धतीने तुम्ही मार्गदर्शन केले आणि प्रवेश प्रक्रिया तसंच भारतातील आणि भारताचे देशाबाहेरील फी स्ट्रक्चर परत प्रत्येक कॅटेगरी वाईज कट आउट मार्कांची आवश्यकता आणि किती सीट्स उपलब्ध आहेत त्याविषयी अतिशय चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन केलेले आहे. आमचे जे रोटरी क्लबचे अध्यक्ष आहेत सीए नितीन कुदळे सर प्रवासात असल्यामुळे थोडस टेक्निकल कारणामुळे कनेक्ट होऊ शकलेले नाहीये, तर आमचे रोटरी क्लबचे सदस्य माननीय श्री जयदीप बोरावके साहेब यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आभार मानावेत. जयदीप सर ओके ठीक आहे काय हरकत नाही आहे. आजच्या ह्या MBBS 2020-21 प्रवेश प्रक्रिया या कार्यशाळेसाठी आपण दोघही मान्यवर माननीय श्री नीरज कुमार शाह आत्मीय एज्युकेशनचे मार्गदर्शक बऱ्याचशा तुम्ही 5,000 विद्यार्थ्यांना MBBS किंवा वैद्यकीय शिक्षणाची संधी देऊन त्यांना डॉक्टर म्हणून प्रवृत्त केलेलं आहे, अतिशय चांगलं काम केलेलं आहे. तसेच शब्दगन फाउंडेशनचे माननीय श्री मनोज वाबळे सर यांनी सुद्धा करिअर मार्गदर्शक म्हणून त्यांनी मागच्या वेळेस पण जबाबदारी छानपैकी पार पडली आणि आता सुद्धा त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन केलेलं आहे. तर आपल्या दोघांचंही आम्ही रोटरी क्लबच्या वतीने मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. तसेच डिस्ट्रिक्ट 31-32 डायरेक्टर यशवंत हांडे सर हे देखील या वेबिनारला उपस्थित राहिले आणि त्यांनी सुद्धा त्यांचे मनोगत व्यक्त केले, त्याबद्दल त्यांचे देखील मी आभार मानतो. तसेच आमचे क्लबचे मार्गदर्शक माननीय श्री सुशील वोरा सर ते देखील उपस्थित राहिले, त्याबद्दल त्यांचे देखील आभार मानतो. ही झूम मीटिंग साठी जी सर्व आम्हाला सेवा दिली ती डिस्ट्रिक्ट 31-32 टीम त्यांचे देखील मी पूर्णपणे आभार मानतो. उपस्थित सर्व विद्यार्थी पालक वर्ग यांचे देखील मी आभार मानतो. तसेच सर्व इतर सर्व रोटरी क्लबचे पदाधिकारी तसेच सदस्य हे देखील उपस्थित राहिले, त्याबद्दल मी आपला सर्वांचं आभार मानतो. ज्यांनी ज्यांनी प्रश्न विचारले आणि तुमच्यामुळे बाकीच्यांना सुद्धा त्याची उत्तर ऐकायला मिळाली आणि त्यांच्या मनातील शंका दूर झाल्या त्यांचे देखील मी आभार मानतो. आपण सर्व उपस्थितांचं आभार मानून पुन्हा एकदा माननीय वाबळे सर आणि नीरज कुमार शाह सर आपण मोलाचं मार्गदर्शन केलेलं आहे त्याबद्दल पुन्हा एकदा रोटरी क्लबच्या वतीने आभार मानतो. एक मिनिट आभार मानतो आणि आभार मान कार्यक्रम सांगण्यापूर्वी नितीन सर आदेश जॉईन होत आहेत त्यांना थोडस बोलायचं आहे, तर अध्यक्षांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं. धन्यवाद सर. डॉक्टर शाह सर आपण केलेलं मार्गदर्शन आमच्या भागातील सर्व पाल्यांना आणि त्यांच्या पालकांना निश्चितच उपयोगी असं होईल आणि त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि त्यांच्या करिअर साठी त्याचा नक्कीच फायदा होईल अशी खात्री या ठिकाणी मी आपल्याला देतो. आणि त्यांना लागणार भविष्यातील मार्गदर्शन असू ते आपल्याशी संपर्क करतील किंवा आमच्याकडे त्यांचा जर संपर्क आला तर तो आपल्याकडे पोहोचवला जाईल, त्यांच्याकडे आपल्याला पाठवलं जाईल. प्रवासामुळे मला व्हिडिओ ऑन करून आणि हे करून लॉग इन बोलता येत नाही, त्याबद्दल मी आपली दिलगिरी व्यक्त करतो. आणि आपण वेळात वेळ काढून या ठिकाणी उपस्थित राहिला व्हर्च्युअली आणि मनोज सरांनी सुद्धा सहकार्य केलं आणि असेच ते सहकार्य करतात आणि यापुढेही असे सहकार्य करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करून मी पुन्हा एकदा रोटरी क्लबच्या वतीनं आपल्या दोघांचंही अभिनंदन करतो व आभार मानतो. खर तर व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्म वरती आभार व्यक्त करण्यासाठी मर्यादा येतात, शब्द सुमनांनीच फक्त आभार व्यक्त करता येतात. त्या पलीकडे फिजिकल जर कार्यक्रम असतात तर आपल्याला एखादं छोटस गिफ्ट किंवा इंटरॅक्शन होतं छान प्रकारे. व्हर्च्युअली मध्ये फायदा आहे तसा तोटाही आहे. खर तर विद्यार्थ्यांच्या साठी ज्या त्या ठिकाणावरून डेस्टिनेशनवर
लॉग इन करून त्याचा फायदा घेता येतो. आणि शिवाय आपण या व्याख्यानाचं रेकॉर्डिंग ठेवलेलं आहे, त्याची युट्यूब लिंक सुद्धा मी आपल्या दोघांना शेअर करीन आणि उपस्थित असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना सुद्धा ती शेअर केली जाईल. त्यांनी रजिस्ट्रेशन आपल्याकडे केलेलं असल्यामुळे त्यांचे ईमेल्स आणि मोबाईल नंबरही आपल्याकडे आहे. त्यांना आपण ती युट्यूब वरची लिंक आपण नक्की शेअर करू. आणि पुन्हा एकदा मी रोटरी क्लबच्या वतीनं आपलं आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. काय जाणून सर? धन्यवाद सर. आमचे जे डिस्ट्रिक्टचे जिल्हा प्रांतपाल आहेत माननीय श्री ओम प्रकाशजी मोती पोळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम चालू आहे आणि त्यांनी सुद्धा ह्या कार्यशाळेसाठी बहुमोल मार्गदर्शन केलं, त्यासाठी जिल्हा प्रांतपाल ओम प्रकाशजी मोती पोळे सर, संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट संचालक यांचे देखील मी आभार मानतो. आणि ही कार्यशाळा किंवा हे वेबिनार इथं संपलं असं जाहीर करतो. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना मनपूर्वक धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद सर. रोटरी क्लब इंटरनॅशनल आपलूच जे काम करतंय, खूप चांगल्या पद्धतीचं काम आहे आणि विद्यार्थ्यांना करिअर गायडन्स साठी, आपला ग्रामीण भागातला जो विद्यार्थी आहे त्याला वेगवेगळ्या क्षेत्रातील करिअरच्या संधी मिळाव्यात म्हणूनच रोटरी इंटरनॅशनल क्लब आपलूच चे सन्माननीय सचिव गजानन जनराज सर की खूप चांगल्या पद्धतीने एक सरांना फोन केला की असं डॉक्टर नीरज कुमार शाह सरांचं आपल्याला एक चांगल्या पद्धतीचं व्याख्यान विद्यार्थ्यांसाठी आपल्याला आयोजित करायचंय आणि सरांनी कुठलाही विलंब न लावता सरांनी डायरेक्ट सांगितलं की आपण विद्यार्थ्यांसाठी एक चांगल्या पद्धतीचा एक कार्यक्रम आपण आयोजित करूया. त्याबरोबर सीए नितीन कुजळे सर अध्यक्ष आहेत, सर प्रवासात आहेत तरी त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी चाललेल्या कार्यक्रमावरती चांगल्या पद्धतीचं सरांचं लक्ष आहे आणि सर सुद्धा दोन वेळा या कार्यक्रमासाठी जॉईन झाले. सरांचंही मी या ठिकाणी मनपूर्वक असं आभार व्यक्त करतो आणि डॉक्टर नीरज कुमार शाह सर आणि मी एकदा नक्की तुम्हाला अकलूजमध्ये भेटेल की तुमचं चाललेलं जे काम आहे ते खूप चांगल्या पद्धतीचं काम आहे. तुमच्या कार्याला सुद्धा आत्मीय एज्युकेशन या संस्थेच्या वतीनं, शब्दधन सोशल फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य या दोन्ही संस्थेच्या वतीनं मनपूर्वक असा शुभेच्छा देतो आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी असतील, विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती असतील म्हणजे यासाठी जेवढं काही आपल्याला सर्वांना मिळून काम करता येईल तेवढं चांगल्या पद्धतीचं काम आपण करूया. हीच शुभेच्छा या ठिकाणी आत्मीय एज्युकेशन आणि शब्दधन सोशल फाउंडेशन या दोन्ही संस्थेच्या वतीनं या ठिकाणी व्यक्त करतो. आपल्या सर्वांचाच मी मनपूर्वक ऋणी राहील हीच अपेक्षा या ठिकाणी करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. धन्यवाद. थँक्यू. सर किरण बोलतोय. सर आहेत का? हॅलो. हो चालत. हॅलो. Thank you.
फ्रेशर बनना लगा फ्रेशर बनना लगा मोशन हेलो हेलो सर हेलो